सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में तीन प्रभु बताए हैं। ये तीन प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? तीन प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा पवित्र सद्ग्रंथ जो सर्व मानव समाज के लिए शिरोधार्य है। द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के दौरान बोला गया गीता जी का ज्ञान चारों वेदों का सार है। बताया जाता है कि युद्ध में जिस समय कौरव पांडव की सेना आमने सामने आती है, तब अर्जुन ये कहकर युद्ध करने को मना कर देता है कि हे भगवान, मैं किसको मारूं? सभी मेरे ही तो सगे संबंधी हैं। राज्य पाने के लिए इस महापाप को करने की बजाय तो मैं भीख मांगकर गुजारा करने को भी तैयार हूँ। महाविनाश को टालने के लिए खुद क्षेत्रीय धर्म भुलाकर काल्यवन के सामने युद्ध छोड़कर भागने वाले रणछोड़ भगवान श्री कृष्ण कैसे अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर सकते हैं? ऐसे अनेकों अनसुलझे सवालों पर स्पष्ट और सरल ज्ञान संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से दे रहे हैं, जो आपके आध्यात्मिक जीवन की राह को आसान करने में बहुत लाभकारी है। सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। क्या श्री कृष्ण जी द्वारा गीता जी का उपदेश देने वाली बात गलत है? यदि हाँ, तो गीता जी का ज्ञान बोला किसने? आखिर इस महाविनाश के पीछे छिपा हुआ काल है कौन? जानने के लिए अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार सर्व पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, और आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्यों के विचार। आइए अब जानते हैं शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? उत्तम कहते हैं जो श्रेष्ठ हो, और अनुत्तम उसको कहते हैं जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि उनकी साधना वेद प्रतिपाद्य है, तो वेद के अनुसार साधना करना सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। जी, हमने सुना है चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवद गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है, क्या आप इस बात से सहमत हैं और क्यों? ऐसा है कि श्लोक है सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत समस्त उपनिषद गौ हैं और उनको दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्जुन बछड़ा है और गीता अमृत दूध है। अभी आपने सुने शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। तो शंकराचार्य जी, उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? हाँ,
या जो गीता में आया है अनुत्तम, मतलब जिसके समान और कोई उत्तम ना हो, उत्कर्ष उत्कृष्ट कर अध्योतम। तो शंकराचार्य जी गीता के अध्याय 7 में और श्लोक 18 में गीता बोलने वाले श्री भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? अनुत्तम का अर्थ होता है सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट, अनुत्तम का अर्थ उत्तम रहित हीन वहाँ पर नहीं है, वो व्याकरण की दृष्टि से उसका अर्थ मैंने बता दिया। शंकराचार्य जी हमने सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवद गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है, क्या आप सहमत हैं? तो महाभारत में ही लिखा है सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। वेदों का तात्पर्य, वेदों का जो शिरोभाग उपनिषद है उसमें सन्निहित है, उपनिषदों का मंथन करके श्रीमद् भगवद गीता की अभिव्यक्ति हुई है। अभी आपने सुने आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है, क्या अंतर लगता है आपको? उत्तम जो उत्तम है जो श्रेष्ठ है, अनुत्तम जो उससे कम है वो अनुत्तम। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपनी साधना को अनुत्तम तो नहीं कहा, साधना को उत्तम नहीं कहा गया, संत उत्तम ही है। हमने सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भागवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। सबका सार सार कहा गया है वहाँ, सभी चारों वेदों का सार कहा गया। अभी आपने सुने आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? जो उत्तम का जो उत्तम है वो तो हमेशा सच्चे चरित्र वाला होता है, सत चरित्र वाला होता है। अनुत्तम जो है उससे विपरीत होता है, अनुत्तम जिसका चरित्र सही नहीं वही अनुत्तम है। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपनी साधना अनुत्तम शब्द का अर्थ आप समझे नहीं, वहाँ अनुत्तम शब्द का अर्थ है जिससे उत्तम नहीं हो वो। सामान्य रूप से अनुत्तम शब्द का अर्थ उत्तम से भिन्न, वहाँ का अनुत्तम शब्द का अर्थ है जिससे उत्तम और कोई नहीं हो वो है, इसलिए वहाँ अनुत्तम शब्द का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट। हमने सुना है कि चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्री भगवद गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है, क्या आप इससे सहमत है? हाँ ठीक, गीता तो उपनिषदों का सारभूत है। जानते हैं विचार परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि गीता जी का अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? गीता के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक जो है उसकी आप गहराई में देखेंगे तो एक बड़ी प्रेरणा है। भगवान 18वें श्लोक में कहते हैं उदारा सर्वे वेति ज्ञानी त्वात्मविमतम आस्थिता सहयुक्तात्मा मामे वनुत्तमाम गतिम। तो यहाँ जो श्लोक है भगवान कहते हैं सभी भक्त मेरे उदार हैं, सभी भक्त अच्छे हैं, ज्ञानी भले ही एक रूप होने के कारण मेरी आत्मा है मेरे से एक रूप है, लेकिन आगे जो कहा आस्थिता सहयुक्तात्मा मामे वनुत्तमाम गतिम, यहाँ जो अनुत्तमाम गतिम है क्योंकि ज्ञानी परमात्मा से एक रूप हो जाता है, जो तू है सो मैं हूँ, स्वामी राम तीर्थ ने कहा जो मैं हूँ सो तू है, न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है, एक रूपता। भगवान कहते हैं वो उस गति को पा लेता है उस स्थिति को पा लेता है जिसके समान और जिससे श्रेष्ठ और कोई दूसरी गति नहीं होती। यहाँ जो अनुत्तमाम गतिम शब्द है अनुत्तम की साधना की बात है, वो उस अवस्था की बात है जो जीव का परमोच्च लक्ष्य है सर्वोच्च लक्ष्य है, जीव का परम प्राप्तव्य है जिस प्राप्ति के पश्चात और कुछ पाना शेष नहीं रहता। ये गीता की एक दिव्यता है जो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने प्राप्त करने की प्रेरणा दी और कहा कि उसके समान कोई गति नहीं।
और आइए अब जानते हैं आदरणीय स्कॉन प्रमुख महामंत दास जी के विचार। जाता है गीता जी के अध्याय 7 और श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? यहाँ पर अनुत्तमा गति कहा उन्होंने। इससे पहले के श्लोक में भगवान ने कहा चतुर्विधा भयंति माम जना सुकृतचार्जुना आर्त अर्थार्थी जिज्ञास ज्ञानी च वर्तर सब। चार प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग हमारे भक्त हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन साथ साथ जो लोग ज्ञानी हैं, जो मेरे परम ज्ञान को जानते हैं, गीता के इस गुह ज्ञान को जानते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं उनको मैं अपने समान मानता हूँ और उन्हें निश्चित रूप से अनुत्तमा गति अर्थात उन्हें मेरे धाम की प्राप्ति होती है। अभी आपने सुने स्कॉन प्रमुख श्री महामंत दास जी महाराज के विचार और आइए अब जानते हैं हंसा देश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज पंजाबी बाग दिल्ली के विचार। ये जो शब्द है उत्तम और अनुत्तम, इनका क्या अर्थ है और दोनों में क्या फर्क है? उत्तम माने होता है जो हमारे लिए श्रेयकर है और जो उत्तम नहीं है वो मायावी है। और हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया कि जो श्रेयकर रास्ता है और एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेम मार्ग है, दो मार्गों की चर्चा की गई है। तो हमें, मैं समझता हूँ कि वो श्रेयकर मार्ग जो है, जो शास्त्रों के अंदर वर्णित है और जिसके लिए संत महात्मा सभी कहते हैं कि भाई जो श्रेष्ठ मार्ग जिससे आत्मानुभूति हो, सेल्फ रियलाइजेशन हो, ऐसे मार्ग का अनुकरण करना चाहिए। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। महाराज जी, गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 7 के श्लोक 18 में अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है तथा उत्तम और अनुत्तम का क्या अर्थ होता है? गुणात्माओं, जैसे अभी तक किसी भी हम अपने धर्म गुरु से पूछा करते थे कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं, अनुत्तम, तो ये क्या कहते हैं कि अनुत्तम नहीं कह रहे हैं, अनुत्तम का उन्होंने अर्थ बदल दिया, कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो वह अनुत्तम कहलाता है। अरे फूटे भाग हमारे, अरे ऐसे गुरु मिले हमें। अनुत्तम, अनुत्तम माने बैड अंग्रेजी में, और उत्तम गुड श्रेष्ठ। कहीं पर बैड लिखा हो किसी सेंटेंस में और उसका अर्थ कोई गुड लिख दे तो कितनी बुद्धि होगी उस इंसान की। क्योंकि अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 से लेकर 19 तक क्या कहा है, आपने गीता खूब पढ़ रखी है, अब सिर्फ एक श्लोक दिखाऊंगा, 7वें अध्याय का 18वां और 19वां दो। उसमें क्या कहा है कि ये सभी मेरी भक्ति, ये 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा ना, ये मेरी भक्ति, 13वें श्लोक में कहा कि ये मेरी भक्ति भी ना करते, तो अब 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि मेरी भक्ति भी अर्जुन चार प्रकार के करते हैं, यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं, वेदों अनुसार साधना करते हैं, वो चार प्रकार के हैं। एक अर्थार्थी, अर्थार्थी माने तो धन लाभ प्राप्ति के लिए जंतर मंत्र भी करता है तो वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करता है, वो ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, जय गणेश देवा, इस तरह की आरती नहीं गाता वो केवल वेद मंत्रों से ही अनुष्ठान करता है। लेकिन फिर अर्थ माने संकट निवारण के लिए, वो भी वेदों के मंत्रों से ही अपने अनुष्ठान करता है। और तीसरा जिज्ञासु, जिज्ञासु होता घर से निकलता परमात्मा प्राप्ति के लिए, फिर बहुत से संतों के पास से जो ज्ञान ग्रहण करता उसका वक्ता बन जाता है, ये भी काम नकली है, ये तीनों रिजेक्ट करती है। और चौथा बताया ज्ञानी, ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको ये पता लग गया, आत्म ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। फिर परमात्म ज्ञान हुआ कि पूर्ण परमात्मा के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, न देवताओं की पूजा से, केवल पूर्ण परमात्मा से ही, भक्ति से ही मोक्ष होगा। तो इन संत ऋषियों को, महर्षियों को तत्वदर्शी संत ना मिला, जिस कारण से इन्होंने आप पर निष्कर्ष करके ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से
ओम नाम को परम अक्षर ब्रह्म का मान लिया, आग के अंगार को बर्फ मान लिया अज्ञानता से। तो इन्होंने, ये तो उनको फाइनल हो गया कि मनुष्य जीवन मिला इसलिए है कि मोक्ष होने तो इसका यूज नहीं कति व्यर्थ है ये। और फिर ये भी ज्ञान हो गया कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, आन उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं की भक्ति से बात नहीं बने, ये फाइनल हो गया। तो उन्होंने केवल ओम नाम का जाप और हठ योग जैसे ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था वो करने लग गए। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि ज्ञानी जो है ना वो मुझे पसंद है क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़ दी और ब्रह्म साधना करते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूँ, उनका समझ में आ गया। तो अब कहता है कि ये उद्दार आत्मा ज्ञानी आत्मा हैं तो नेक, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं जो परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान करा दे, जिस कारण से ये सभी मेरे वाली घटिया गति में स्थित रहे। इसका अर्थ ये बनता है हरियो नो को नो वो तो अनुत्तम मन सर्वश्रेष्ठ गति, भगवान अपनी गति को अश्रेष्ठ कैसे कहेगा, हरियो कहन लग रहा। अब दिखाता हूं, आप देखिएगा सातवें, अब सातवें अध्याय का हम अठारहवां पढ़ेंगे, गीता अध्याय नंबर श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 18 पढ़ेंगे, ये 18। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। ये कहता है मेरे विचार में मेरे मत में ये ज्ञानी आत्मा तो माने तो हैं, सर्वे सर्वे माने सारी, उदारा माने श्रेष्ठ, ये उदार आत्मा है जितने जो ज्ञानी आत्मा हैं, ज्ञानी चौथे प्रकार के आस्तित सही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये क्या कह रहा है कि ये सभी अच्छी आत्मा हैं और ये ज्ञानी मेरे विचार में, और ये लेकिन मेरे वाली माम अनुत्तम गतिम मेरे से मिलने वाली जो गति स्थिति यानी लाभ है उस घटिया है, वह घटिया अनुत्तम अश्रेष्ठ है, उसमें ही आस्थित हैं, उसमें ये उसी में सीमित हैं, उसी पर आश्रित हैं। इन्होंने क्या किया नकलियों ने, ये सभी उद्दार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ये मेरा मत है क्योंकि वह है युक्त आत्मा मंत मदत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्त अनुत्तम माने अति उत्तम बैड को गुड लिख रहे हैं बुद्धि भ्रष्ट, और गति माने गति स्वरूप मुझ में ही सचित हैं, सचित माने अच्छी प्रकार सचित हैं। अब इसका अर्थी दासा बन गया है, उद्दारा माने उद्दार हैं, सर्वे माने ये सारी, एव माने ये, एते माने सब, ये ज्ञानी आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा हैं तो सारी उद्दार की उद्दार, ये मेरा मत है, श्रेष्ठ है क्योंकि समर्पण है परमात्मा के ऊपर। लेकिन आस्तित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुताम अनुत्माम गति, ये सभी भक्त भक्ति में लीन आत्माएं मेरे वाली घटिया गति में आश्रित हैं स्थित हैं। अब इसने अपनी साधना घटिया क्यों बताया, जैसे दास ने बहुत बार बताया आपको, आज भी क्लियर किया इस सत्संग के दौरान, जैसे आपको बताया कि ऋषियों ने हठ योग तो ले लिया ब्रह्मा जी से, इसको आकाशवाणी हुई थी देवी भागवत के तीसरे स्कंद में, कभी पढ़ाएंगे आपको कंप्लीट, उसमें लिखा है, तो वो तो वहाँ से ले लिया और वेद मिले बाद में, उसमें ओम मंत्र कोई मंत्र नहीं दूसरा, तो इन्होंने ओम मंत्र को पूर्ण परमात्मा मान, जैसे देवी भागवत में आपने पढ़ा देवी भागवत के अंदर देवी खुद कह रही है ब्रह्म को ये अक्षर ब्रह्म है, अक्षर अक्षर पुरुष, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में दो पुरुष हैं सर पुरुष और अक्षर पुरुष, और तीसरा परम अक्षर पुरुष वो है सर्वशक्तिमान। तो ये ब्रह्म को ही तो अक्षर पुरुष कह रही है, ब्रह्म को ही परमात्मा कह रही है, ब्रह्म को ही परम अक्षर ब्रह्म कह रही है, और फिर कहते उसका ओम नाम है और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। तो इन सारे का इनकी अक्ल गाम जारी थी, इनको किसी को ज्ञान नहीं था। तो यहाँ इसी प्रकार ये ज्ञान ऋषियों को प्राप्त था, तो इन्होंने ओम नाम का जाप ले लिया,
हठ योग निर्या ब्रह्मा वाला ये डले डोए न सब ने। तो इससे गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन ये मेरा रूप तने जो देखा यो मेरा वास्तविक रूप है, मेरी प्राप्ति यह है। लेकिन ये मेरा रूप ना वेदों वर्णित विधि से ना किसी जप से ना तप से ना किसी साधना से मेरे रूप का कोई दर्शन नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, यानी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं है, इसलिए निराकार निराकार कह दिया। इन मिला को नहीं कहते खोजत खोजत था किया अंत कहा बेचून। कबीर साहब कहते हैं सूक्ष्म वेद में तत्व ज्ञान में कि खोज खोज कर थक गया, आखिर में कह दिया निराकार है। हर वो तो काल साकार है, सारे भगवान साकार है। तो इन ऋषियों ने परमात्मा की खोज में समर्पित हो गए। एक चुनक नाम का ऋषि था, इसी आधार से उसने अन्य देवताओं की पूजा नहीं की, ओम नाम का जाप हठ योग स्टार्ट कर दी। तो इससे इनको परमात्मा मिलानी एक एटम बम बन जाते, सिद्धियां आ जाती गजब की। कोई हजार वर्ष तक तप करता रहा, सूख के अस्थि पंजर सा बन गया, एक पूरी पृथ्वी का शासक मान धाता चक्रवर्ती राजा था। और उसमें राजा लोग क्या किया करते हैं कि अपनी पूरे राज्य में दूसरे तीसरे चौथे वर्ष क्या करते थे कि ये देखने के लिए कि मेरी पराधीनता को किसी ने अस्वीकार तो नहीं कर दिया है, उसके लिए एक घोड़ा जो राजा का पर्सनल हॉर्स होता था उसके गले में एक पंपलेट लिख दिया जाता था कि जिसने राजा की पराधीनता अधीन ही स्वीकार ना हो अधीनता, तो वो घोड़े को पकड़ दे और युद्ध के लिए तैयार हो जा। उस पर लिख रखा था राजा के पास 72 सोनी सेना है, 72 करोड़ समझ लो मोटे शब्दों में। तो वो घोड़ा साथ में हजारों सैनिक पूरी पृथ्वी पर घूम आए। जाते समय भी चुनक ऋषि की कुटिया के पास से गए, जब वापस आए तब भी वहीं से गुजरे। चुनक ऋषि इस ब्रह्म का पुजारी था काल का, इसने कहा अब देखो काल क्या चाल है, पहले तो इसको एटम बम बनवाया, हॉट गजब की साधना करवा दी, परमाणु बम बनवा दिया, बना दिया भक्ति सिद्धि शक्ति का, उधर से उसके हाथ में रिमोट उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। संत का और राजा गिल खसन की के मतलब होया करे, वो अपना काम करे, वो अपनी भक्ति करे, तुझे कुछ कहें जब तक दूसरी बात छेड़े छाड़े, जब तक अपनी सिद्धि शादी भी दिखा। वे मतलब खस्या अग भाई कहाँ गए थे सैनिकों, सैनिक बोले जी ऐसे ऐसे गए थे, हम पूरी पृथ्वी घूम आए, सारी कहानी बताई। तो ऋषि ने कहा कि तुम्हारे राजा में इतनी ताकत है, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा? अग नहीं, किसकी माँ ने दूध पिया, क्योंकि सैनिक भी अभिमानी राजा के अभिमानी ही हो जाते हैं, नौकर भी, किसकी माँ ने दूध पिलाया है और फोड़ दें जाड़ उसकी, ऐसे कर दें वैसे कर दें, है किसी की हिम्मत राजा के पास 72 सोनी सेना आया है। अब चुनक ऋषि ने सोचा ये तो गणे अभिमानी हो गए, इन सेट कर दूँ। उसने कहा कि मैंने पकड़ लिया, चुनक ऋषि ने कहा कि मैंने युद्ध वट लिया तुम्हारे राजा का, अरबान दे गोड़ा यहाँ पर। सैनिक बोले अरे कंगाल, ओ कंगले, दाने खाने को नहीं तेरे पास, और युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ, तेरी क्यों सात बोल दे रही है, तेरी क्यों सामत आई है, चुप करके अपनी माला फेर बैठ चुपचाप करके। तो ऋषि कहने लगे अभी देखी जाएगी, हमने युद्ध उठ लिया। अब उन्हें बांध दिया घोड़ा उसी कुटिया के, उसी वृक्ष का जिसका नीचे कुटिया थी उस ऋषि की, राजा को जाकर नमक मिर्च लगा के बता दिया जी आज एक व्यक्ति ने हिम्मत करी है आपके घोड़े को बांधने की, कल दूसरे का सिर उठेगा, निप द ईवल इन द विट, बुराई को सटाट में समाप्त कर देना चाहिए। राजा ने कहा ठीक है मंत्रियों, तो जाओ 72 सोनी सेना की 4 टुकड़ी बना दी 18 करोड़ की। उधर से उस क्रम ठोक ने ऋषि ने उस काल के पुजारी ने अपने जीवन में जो कमाया था उसके 4 डले बना लिए, 4 पुतली परमाणु बम बना दिए, 4 सिद्धि तय। वचन जैसी शक्ति किसी चीज में नहीं है, ये विज्ञान तो फेल है वचन के सामने। अब राजा की 18 करोड़ सेना आई, उसने 1 पुतली परमाणु बम छोड़ दिया,
18 करोड़ को कत्लेआम कर दिया, समझ में नहीं आया उनका कहाँ से तीर आवे हैं। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरा परमाणु छोड़ दिया, यानी 72 करोड़ सेना की चारों टुकड़ी उस ऋषि ने नाश कर डाली, 72 करोड़ जीव मार दिए। अपने आत्माओं यहाँ बताता है गीता ज्ञानदाता, कहता है इसके साथ के बनेगी फिर इस ऋषि के साथ। अब तक इसने टीटी पाक के और 75 करोड़ जीव मार दिए। देखो जीव हिंसा कोई किसी हथियार से कर दो या अपने शराब से कर दो या अपने किसी सिद्धि साधना से कर दो, वो तो पाप ही है। अब यू काल का कितना लंबा जाल है कि इसने तपस्या करी उससे तो राजा बनेगा एक यू चुनक ऋषि, ओम नाम का जाप कराया ब्रह्मलोक में जावेगा, ब्रह्मलोक में जावेगा जब तक इसके पुण्य रहेंगे, वहाँ चौधरी पाक क्या रहेगा न खूब ठाठ करेगा, क्योंकि इस परम अक्षर ब्रह्म ने छोड़ कर सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति को छोड़कर बाकी जिसकी भी आप साधना करते हो आपके पाप और पुण्य दोनों भिन्न भिन्न लिखे जाते हैं और सारे ही आप न भोगने पड़ते हैं। पुण्य के लिए पहले महासुर्ग जाएगा, वहाँ अपने ओम नाम की कमाई ने नाश करेगा, फिर पृथ्वी पाओगे राजा बनेगा, राजा बनकर चक्रवर्ती राजा भी बन सकता है चुनक ऋषि की आत्मा, फिर नरे पाप को मावेगा कि ते शिकार खेल लगा कि तो रुद्मस्त आ रहेगा कि ते सेना मरवाओगा युद्ध कर करके, पृथ्वी यहीं छोड़ जाए रह जाएगी युद्ध के खाओगा। उसके बाद फिर 84 लाख योनियों में चक्कर मावेगा, यु कुत्ता बनेगा और इस कुत्ता बनकर इसके शर्म में कीड़े पड़ेंगे, वो जितने 72 करोड़ सैनिक इसने मारे थे वह सारे इसको चुन चुन कर खाएंगे। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार है, यानी समर्पित है भगवान के लिए, लेकिन ये मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रहे, मेरी अनुत्तम गति में रहे कि जन्म मृत्यु मेरी भी रहेगी और ये भी 84 लाख योनियों में चक्कर काटते रहेंगे, ब्रह्मलोक में जाओगे फिर पुनरावृत्ति में आवेंगे। अपने आत्माओं ये है तत्व ज्ञान। अब क्या बता सुख संवेद में, 72 अक्षौणी खा गया यो चुनक ऋषि सुवर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेखे। ओए ओए कहते हैं 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी का नाश कर दिया, 72 करोड़ सेना खा गया यू चुनक ऋषि स्वर एक ऋषि जैसे एक मुनि और फिर मुनिवर यानी मुनियों में श्रेष्ठ और फिर मुनीश्वर यानी मुनिवर तभी श्रेष्ठ उनका भी मालिक उनसे भी तगड़ा, तो सब यानी तीसरी क्वालिटी का माना जाता था ऋषि स्वर जैसे एक ईश्वर और तीसरा परमेश्वर, तो इसी प्रकार इनकी स्थिति होती है ऋषि ऋषि ऋषिवर ऋषियों में श्रेष्ठ और फिर ऋषिश्वर ऋषि श्रेष्ठ ऋषियों से भी श्रेष्ठ यानी सबसे बढ़िया ऋषि का यू कर्म। होय होय 72 अक्षौणी खा गया ये चुनक ऋषि सुवर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेखे। होय होय ये तुमने दिखे भगत और ऋषि कहते हैं चलती फिरती मौत है, ये तोब के गोले थे ये दे धारे मौत दोरा माने मौत या चलती फिरती मौत, कोई थोड़ा सा बोल पड़ेगा तेरा नाश होगा, नाश से कर सको तुम भला कैसे कर सकते क्योंकि तुम काल के पुजारी, यू भला कर ही नहीं सकता जीव का। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता है कि मेरी भक्ति जो करते हैं ज्ञानी आत्मा ये है तो नेक है पर तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में घटिया गति में मेरे वाली साधना इस स्थिति में मेरी गति माने जो ओम नाम से होने वाली जो गति है मोक्ष है मेरे से प्राप्त होने वाले मोक्ष तक सीमित रहे। यू किसा मोक्ष ब्रह्मलोक में रहे 1000 वर्ष फिर आगे धक्के खान, ईसा मोक्ष है मेरा। गीता ज्ञानदाता के अपने आत्माओं देखना रहस्य इस गीता जी में, गीता अध्याय नंबर
सात के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट कर दिया, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ओए होए, क्या बताया है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा माम प्रपद्यते मेरी भक्ति करता है ब्रह्म तक की, ना तो नीचे की जय गणेश देवा इन पत्थर की पूजा मंडे रहते लगे रहते, कोई एकाध करता है ब्रह्म साधना और वो बता दी बात घटिया है मेरे वाली। फिर कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ओए होए, ये बताने वाला कि वासुदेव का अर्थ क्या होता है, जिस परमात्मा का सबके ऊपर अधिपत्य हो वो सर्वशक्तिमान सर्वगतम ब्रह्म, उसको वासुदेव कहते हैं। वेद में वासुदेव परमेश्वर कबीर जी के लिए उपमात्मक लिया गया है, अरिनन वासुदेव ला दिया श्री कृष्ण के, कर श्री कृष्ण तो वासुदेव का बेटा था और वासुदेव एक व्यक्ति था जिसका नाम वेदों से ही उनके गुरुओं ने सेलेक्ट करके लिख दिया, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था। ये तो एक ब्रह्मांड में एक विभाग का मंत्री है, शतगुण विभाग का, और परम अक्षर परम पूर्ण परमात्मा असंग ब्रह्मांड के स्वामी है, वो है वासुदेव और वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है और वो सबका मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला। कहते हैं ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन कि वासुदेव ही सब कुछ है, उसकी भक्ति करो और की त्याग दो, वो पाप नाशक है, सबका पालक है, सृष्टि रचनहार है। कहते ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिल लेगा। और पुण्यात्मा आपको आसानी से मिला दिया दाता ने, धन आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। ये देखिएगा हम यही पढ़ रहे हैं गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 18 पढ़ लिया अनुत्तम का अति उत्तम करा क्या मूर्खा ने। अब 19 में क्या कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा मुझे मेरी भक्ति करता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ओए होए, ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वम वही मालिक है, वही सबका जनक है, सबका पालक है, पाप नाशक है, भक्ति योग्य है, पूर्ण मोक्षदायक है, ये बताने वाला साधु संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। इनका अनुवाद देखिए, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, यानी चाहे लिखा भी उन्होंने अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है नहीं, बिल्कुल सही है। इन वासुदेव श्री कृष्ण मान रखा था ये उस पर कह रहे, इसका अर्थ ये सही है, सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको बचता हुआ महात्मा सुदुर्लभ है, कर दिया ना अज्ञान इन्होंने, बकवाद कर दी सारी। इसका सीधा सा अर्थ है, देखो संस्कृत पढ़ेंगे हम, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, इति यह बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ, वो संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलता है। एक समय परमात्मा मिले थे आदरणीय गरीबदास साहेब जी को, कबीर साहेब, गांव छुड़ाने जिला जद्दर हरियाणा। उसके पश्चात उनको ये ज्ञान पर कंप्लीट दे ही दिया था, अपने से परिचित करा दिया था, सतलोक ले गए थे, वापस छोड़ा था। तो उस एक समय पंजाब का रहने वाला लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वहाँ का एक 800-900 बीघे का जमींदार था सरदार जी, उसका नाम था राम राय। ये सिंह तो गुरु गोविंद सिंह के बाद लगाने लगे हैं, पहले तकरीबन नहीं मिलते जुलते हिंदुओं वाले नाम ही थे इनके। तो उसको एक दिन
कभी गरीबदास जी की वाणी ब्रह्म वेदी सुन ली किसी भगत के द्वारा, जो गरीबदास जी का शिष्य था, उससे उसने पूरा एड्रेस लिया उस संत का, वो आकर्षित हो गया इस वाणी पर, किसी महापुरुष की वाणी और अब वर्तमान में जीवित है तो लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये वाणी के मनमज्ज हैं। सिख पंजाब के लोग बड़े आदर करते हैं पर संतों की वाणी का और संतों का। अब वो वहाँ से चल पड़ा एड्रेस लेकर छुडानी गाँव का, 200 किलोमीटर पैदल आया, किधर रेल थोड़ी बहुत ट्रेन भी ना होंगी जब तक, जैसे तैसे वो छुडानी पहुँचा। अब उसने केस सोच रखा था, ये लंबा प्रकरण बन जाएगा मैं बताता हूँ आपको। तो जब गरीबदास जी से मिला, उन्होंने ज्ञान सुनया, सारा ज्ञान सुन के तो दाना दाना गिन दिया गरीबदास जी ने, तो वो कहने लगे महाराज ये ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को। परमात्मा बोले कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात तुलाहा भेद नहीं पाया काशी माए कबीरवा, कि आपके नानक जी को भी परमेश्वर मिले थे, उनको ज्ञान था लेकिन उस वाणी को समझ नहीं सकते तुम। तो क्या कहा कि तत्व भेद कोई नाक है, उसका नाम झुमक झुमकरा भी था, क्योंकि गाँव में दो दो नाम रख लिया करें गाँव में, एक तो राम राय उर्फ झुमकरा, यानी वो गढ़ा डामाडोल सा दिमाग का आदमी था, एक बात ने कई कई बार पूछा करता, अविश्वास सा रहता था उसको, जिस कारण से गरीबदास जी ने उसको इसी नाम से पुकारा था झुमकरा, उर्फ नाम झुमकरा था, झुमकरा से ज़्यादा जाना जाता है आदमी जिसका शॉर्ट नाम हो ना में, वही ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। तो इसलिए एक अपने गरीबदास जी के ग्रंथ में एक अंग है झुमकरा, जो सरदार जी को समझाया था, क्या कहा था, तत्व भेद कोई नाक है रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा, कोटुम कोई नहीं रे झुमकरो, और बूम कोई गर्क सुनो राई झुमकरो, के तो पैसे ऊपर नाच हो रहा है, संत नहीं है, इनको तत्व भेद है ही नहीं, ना कोई जानता ना कह सकता। और कहते करोड़ संतों में कोई संत नहीं मिलेगा इस तत्व भेद का ज्ञाता, तत्व ज्ञान का ज्ञाता, कोई अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा, अरबों में हुई हुई, अब पूरे विश्व की कितनी आबादी है, 5 अरब से ऊपर, और 5 अरब के अंदर एक ये दास है जो तत्व ज्ञान का ज्ञाता वर्तमान के अंदर है। तो गरीबदास जी कहते हैं कोटुम दे कोई नहीं रे झुमकरा, करोड़ संतों में नहीं पाओगे इस ज्ञान का ज्ञाता, और कंप्लीट कोर्स हो उसके पास, पूरे मंत्र हो गर्क माने सैचुरेटेड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, देसी भाषा गर्क यानी कति कंप्लीट, जिसमें कोई कसर ना हो, ऐसा संत। कहते कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, करोड़ों में कोई नहीं है, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झुमकरा। तो यहाँ गीता जी भी वही कहती है, बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम पर्वते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि ये बताने वाला कि वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसका सबके ऊपर अधिपत्य है वो वासुदेव है, जैसे ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी ये सबके ऊपर सबके मालिक नहीं है, वासुदेव माने सबके ऊपर जिसका वास है, जो सबका मालिक है, ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के एक ब्रह्मांड में मालिक हैं, ये कुल के मालिक वासुदेव नहीं है। सर्वपुरुष यानी ज्योति निरंजन कालिन का पिता ब्रह्म, ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं, ये वासुदेव नहीं है। अक्षर पुरुष केवल 7 सिंह ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। परम अक्षर ब्रह्म ये ओवरऑल कंट्रोलर है, सब का मालिक है, ये वास्तव में वासुदेव है, वो कबीर परमात्मा। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ले गए थे सतलोक सचखंड, वापस छोड़ा था, तब उन्होंने बताया, नानक साहिब जी को भी परमात्मा लेकर गए थे, उन्होंने वापस छोड़ा, और भी दादू साहिब जी को भी, बहुत से महापुरुषों को,
जिनके शुभ नाम दास बार बार आपको दोहराता है। तो क्या बताया है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। वो कौन कबीर? काशी जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन सर्वधर्मान प्रीताज माम एकम शरण व्रज अहम तवा सर्व पापे भमोक्षामी मासुच, कि मेरे 70 के ओम नाम के जाप की और ये 500 यज्ञ जो करता है तू, ये मेरे 70 की जो ओम नाम की, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का, सर्व पुरुष का, तत् और सत्य सांकेतिक है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 23 में। तत् सांकेतिक है, तत् और ओम मिलकर ये 2 अक्षर का मंत्र बनता है, इसको सत्यनाम कहा गया है, और सत ये सार नाम है, ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो यहाँ बताया है कि मेरे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है कि सभी मेरे 70 की जो धार्मिक साधनाएं हैं, अनुष्ठान तने किए हैं ओम नाम के जाप की, मुझे दे दे वह भक्ति, फिर मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम ओम नाम के जाप की कमाई ब्रह्म लोक में खर्च कर देते थे, हम कंगाल के कंगाल होकर गधे बनकर घूमते रहते थे, ये हम इसके मजदूर बने रहे। अब हम इसको ओम नाम का जाप दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर हम सतलोक में चले जाएंगे अपने परमात्मा के पास। तो ये भी कहता है सर्वधर्मान परितज माम, मेरे स्तर की सब पूजाएं मुझे मत छोड़ दे, एकम शरणम व्रज, एक मन जिसके बराबर दूसरा ना हो, सर्वशक्तिमान की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर जब मेरा हमारा हम इससे कर्ज मुक्त ही हो गए, फिर इसका हमारा लेना देना कह रहा, ये क्या मांगे हमारे ऊपर। तो इस प्रकार हम सतलोक जाएंगे और गीता ज्ञानदाता इस उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब की शरण में जाने को कह रहा है कि जा उसकी शरण में जाने से ही तू सर्वभाव से उसकी पर उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, और मेरी शरण में रहेगा तो अर्जुन जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी, और मेरे पुजारी का क्या हाल होगा, चुनक ऋषि की कथा तेरे को सुना दी। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया, पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया, और दास को इसका जानकार बनाया, आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता है, अगर वेद गीता और प्राणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्मा मनुष्य जीवन पाकर हम भक्ति भी करते हैं और वो भी मनमाना आचरण करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर किसी संत विशेष की बताई भक्ति विधि पर हम अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, तो वो भी हमारे जीवन की जो जीवन का उद्देश्य था उससे भी पूरा नहीं हो पाओगा। जो भक्ति नहीं करते वो भी अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, और जो भक्ति कर भी रहे हैं वो भी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे हैं, नकली संतों के पास बैठकर, तो वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं दास जो ज्ञान दे रहा है आप जी को सतर्क कर रहा है कि इन दुकानों पर नकली माल बिक रहा है अध्यात्म, वो कौन कौन से हैं, ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाला पंथ, और जितने भी ये निरंकारी पंथ और या साराम का पंथ, सुधांशु का पंथ, ये कृपाल और ये कुमार स्वामी जितने भी हैं, ये सारा डुप्लीकेट माल बेच रहे हैं और तुमको ठग रहे हैं। दास डोल के डंके पर कह रहा है और ना जवाब दो सामने आके, इसमें लड़न की क्या बात है। गीता अनुसार तीर्थ व्रत तर्पण एवं श्राद्ध निकालने से क्या लाभ होता है? ये सब के सब मनुष्य के मन की संकीर्णता को दूर करने वाले हैं। अगर आप अपने भोजन में से कुछ
अन्य प्राणियों को भी दे रहे हैं, अतिथि का सत्कार कर रहे हैं, तो ये आपके हृदय की संकीर्णता को दूर करने वाला है। तो शंकराचार्य जी, गीता के अनुसार तीर्थ व्रत तर्पण एवं श्राद्ध निकालने से क्या लाभ है? या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धि अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान श्री कृष्णचंद्र का यह वचन है। गीता तो शास्त्र की ओर संकेत करती है, विवाह पद्धति गीता में थोड़े है, यज्ञोपवीत पद्धति थोड़े है, श्राद्ध पद्धति थोड़े है। गीता संकेत करती है कि मनवादि स्मृतियों को, वेदादि शास्त्रों को प्रमाण मानकर अपने कर्तव्य कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। ठीक है, तो श्राद्ध का समर्थन है, तर्पण का समर्थन है। पहले अध्याय में ही अर्जुन ने चिंता व्यक्त की है कि कहीं पिंडोदक क्रिया लुप्त न हो जाए। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग का वर्णन किया है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। इसलिए गीता को श्राद्ध तर्पण जो कुछ शास्त्र सम्मत विधा है सब मान्य है। गीता के नाम पर हम श्राद्ध तर्पण इत्यादि का निराकरण नहीं कर सकते। तीर्थ व्रत तर्पण एवं श्राद्ध निकालने से कोई लाभ है या फिर नहीं गीता के अनुसार? बहुत बड़ा लाभ है। तीर्थ करेंगे तो पाप क्षय होगा, तर्पण श्राद्ध करेंगे तो पितरों का उद्धार होगा, तो उससे लाभ है। तीर्थ व्रत तर्पण एवं श्राद्ध निकालने से क्या लाभ है? वो तो शास्त्र के कहे गए कर्म हैं, इसलिए शास्त्रोक्त कर्मों का आचरण से मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है। महाराज जी, यहाँ एक बात आपसे और जानना चाहेंगे कि तर्पण एवं श्राद्ध निकालने से कोई लाभ है या नहीं गीता के अनुसार? श्राद्ध लाभ निश्चित है, लेकिन बात वही है यदि हमारा भाव है तो। ये श्राद्ध और तर्पण हैं वो केवल पितरों तक के लिए हैं, पूर्वजों का स्मरण उस माध्यम से होता है और जो पूर्वज परंपरा है हमारी उसके प्रति एक कृतज्ञता रहती है, कृतज्ञता का भाव बनता है। और एक भाव ये भी है, बहुत से लोग कहते हैं कि पहुंचता है कि पितरों तक, निश्चित पहुंचता है यदि हमारा भाव है। और पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ऐसे पुराणों में ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि जब भगवान राम ने कुछ तर्पण किया, श्राद्ध किया अपने पिताजी के निमित्त, तो सब पूर्वज खड़े हुए दिखाई दिए और सीता जी सचा गई। तो हम यदि भाव रखते हैं तो निश्चित रूप से वो पहुंचता है, ऐसा मान के चलना चाहिए, ऐसा भाव रखना चाहिए। महाराज जी, क्या श्राद्ध पिंडोदक क्रिया करनी चाहिए? प्रमाण सहित बताइए। आज आपको थोड़ा सा विवरण देंगे कि ये श्राद्ध क्यों निकाले जा रहे हैं। पुण्यात्माओं, जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलते तब तक हम अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही करके जाते रहे। भले ही हम आन उपासनाएं करके छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे, जिस कारण से हम आम व्यक्ति से ज़्यादा कुछ उत्तम नज़र आते हैं। जो ये ऋषि महर्षि सिद्ध संत कहलागे, इन्होंने काल साधना की और उससे कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली, और जिस कारण से हमने इनको साधु संत और महात्मा पहुँचे हुए महापुरुष मान लिया। सिद्धि प्राप्त प्राणी ऐसा होता है जैसे आप देखते हो वर्षा के समय में बिलों से चींटियां निकलती हैं, और उन चींटियों में कुछ पंखों वाली चींटियां भी होती हैं और वो आकाश में उड़ जाती हैं, तो अन्य चींटियों को ऐसा लगता है कि ये चींटी जो है ये तो भाई भगवान से मिल गई, ये तो आकाश में उड़ जाती है। और फिर क्या होता है, जब या तो किसी दीपक के ऊपर जल के मर जाती है वो आकाश में उड़ने वाली चींटियाँ,
या किसी बल्लब के ट्यूब के चारों ओर चक्कर काट काट के वो पंख रहित होकर जमीन पर गिर जाती है और अंत में वो चींटी की चींटी ही हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ये ऋषि महर्षि जो काल साधना करके हठ योग करके जंतर मंत्र करके इन्होंने सिद्धियां प्राप्त की और फिर ये सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं कुछ एक इनके उल्टे सुलटे कार्य ये कर देते हैं, किसी को श्राप दे देते हैं, किसी को दुआ देते हैं, किसी को बददुआ दे करके फिर ये लास्ट में जीव के जीव ही रह जाते हैं। तो सत्संग सुनने से हमें ज्ञान होता है कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। आज आपको थोड़ा सा विवरण देंगे कि ये श्राद्ध क्यों निकाले जा रहे हैं। हमारे जो धर्म गुरु थे ये अज्ञानी थे एक नंबर के, इनको ना अपने सिलेबस का पता था, अपने टेक्स्ट की बुक्स का पता नहीं। पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और वेद ये हमारे आध्यात्मिक सिलेबस है और हमारे धर्मगुरु संस्कृत जानते थे और ये संस्कृत बोला करते थे। गीता का और वेदों का मंत्र तो वही बोल देते थे, अनुवाद अपने हिसाब से गलत करते थे, जिस कारण से हमारे अंदर भ्रम बना रहा कि ये बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा जानते हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक जाना होगा। इन्होंने अपना भट्ठा बैठाया और साथ में हमारे पूर्वज भूत बनवा के छोड़ दिए। एक मोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। एक समय एक रुचि ऋषि थी, उस ब्राह्मण ने वेदों को समझा और उसके आधार से अपना जीवन प्रारंभ किया भक्ति मार्ग का। उसकी उम्र 40 वर्ष की हो गई थी, उसने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी पद में रहता हुआ वेदों अनुसार अपनी साधना कर रहा था जैसा उसको ज्ञान था। 40 वर्ष की आयु जब हुई, उसके पूर्वज चार ब्राह्मण और दिखाई दे जो मर चुके थे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, पिताजी, दादाजी और परदादाजी और फिर चौथा दादाजी। वो चारों उसको आकाश में दिखाई दी, आवाज लगाई कि बेटा रुचि, आपने विवाह क्यों नहीं किया और विवाह करके हमारे श्राद्ध निकालता, हम बहुत दुखी हो रहे हैं, आपने यू कार्य क्यों नहीं किया। तो रुचि ऋषि कहने लगा कि हे पितर्महो, वेद के अंदर इस श्राद्ध कर्म को, इस कर्म कांड को मूर्खों की साधना बताया है, फिर आप मुझे क्यों इस कर्म में लगा रहे हो। इस बात को उसके पूर्वज ऋषि, उसके पिता, दादा, परदादा, चौथा दादा, वो भी मान रहे हैं कि हाँ बेटा वेदों में ऐसा ही है जैसा आप बोल रहे हो, वेद में ऐसा ही लिखा है। जब वेद में, वेद है सिद्धांत भगवान का, एक विधान परमात्मा का, और ये जो उन ऋषि महर्षियों ने कहाँ से ग्रहण किया वो कि श्राद्ध निकालो, ये किसी पुराण से ग्रहण किया और पुराण ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जैसा कि आपको पहले भी सत्संग में बताया। वेद और श्रीमद् भगवत गीता, वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता के अंदर है और सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही है जो परमात्मा ज्ञान देते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा मार्कंडेय पुराण से ये प्रकरण रूबरू करते हैं जिसमें रुचि ऋषि और उसके पूर्वजों का जो भूत बनकर धक्के खा रहे हैं और अपने पुत्र को भी उसी विवश कर रहे हैं कि तू भी मन भूत गलत साधना करके। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी संक्षिप्त, गीता प्रेस के रूप से प्रकाशित है। और ये कहाँ से छपा है, अब इसके हम आपको ले चलते हैं 242-43 पे। ये देखिएगा 242 पृष्ठ पे मार्कंडेय पुराण
संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण रोच्चे मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ति में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा ये देखो, ये भूत दिख गए इसने, ये देखो ये भूत दिखाई दे गए चारों, ये पिताजी दादाजी और फिर दादा का पिताजी दादा का परदादा जी, ये चारों भूत बन रहे ऋषि जी। अब ये क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं देखिएगा। पितर बोले, बेटा विहा स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं पितरों ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, श्रद्धा के शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थाश्रम को स्वीकार ना करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। अब रुचि ऋषि कहता, पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है और तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब हम ज्यादा ना पढ़ के आपको अपने काम की बात पढ़ावेंगे। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है। तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को, किसको? जो इसने भी बताया था कि इन्होंने बताया था इन पितरों ने कि गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं पितरों ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को श्रद्धा के शब्द से पितरों को अन्नदान बलि वैष्णदेव आदि से भूत और आदि प्राणियों एवं अतिथियों का उनको भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं गृहस्थ आश्रम को स्वीकार ना करके तुमने जीवन में क्लेश पर क्लेश भोगने पड़ेंगे। भावार्थ है कि जो तुम ये श्राद्ध श्रुद्ध ना निकालता, ये निकाल है। अच्छा यू क्या कह रहा है फिर? ये कह रहे हैं कि जो तू लग रहा है ना, यू तो है मोक्ष मार्ग। अब के पूर्वज कह रहे हैं कि जो तू लग रहा है वो मोक्ष मार्ग है और हम बताऊँ वो नरक मार्ग में आ जा, तू मोक्ष मार्ग न छोड़ दे। ये देवता कह रहे इसके पितर। देखो पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावेंगे वो कौन सा मार्ग है। अरुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। ये श्राद्ध श्रुद निकालना, भूतों की पूजा करना, तेरहवीं करना, ये सारा कर्म मार्ग है, कर्म कांड है। वेद में कर्म मार्ग को अविद्या मूर्खों का मार्ग कहा गया है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग पर लगाते हैं? पितृ बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनक भी मिथ्या नहीं। फिर क्या रह गया? अब इनकी अकल देखो, इनकी चोर ले गए इनकी अकल को, इन पितरों की, श्राद्ध निकलवाने वालों की। अब वो लड़का ठीक साधना कर रहा था अपनी,
वेदों के आधार से, और ये भी मानते हैं कि तू आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और नो क्या हमारे वाले माजा तुझ कुएं में गिर पत्र बने, और ये कह रहा है कि रुचि कह रहा है कि ये तो दो वेद में इसको मूर्खों की पूजा बताया है, अविद्या क्या है, और खुद भी मानते हैं ये बात तो सही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर टट्टू रह गया, थोड़ा शर रह गया, क्या रह गया, जो वेद में रिजेक्ट कर दिया कि साधना नहीं करनी चाहिए, पितृ पूजा भूत पूजा। अब कहने का भाव ये है कि इन्होंने इस रुचि को डरा धमका के अटबट सुना के, अब जिसके पहले वाले चार दादे पड़दादे पिताजी दिखाई दे जा, ये तो खरबुद्धिमान व्यक्ति था, थोड़ा बहुत इसने तो अपना तर्क दे भी दिया, और आपको कोई चार दादे दिख जाए तो जब समर्पण कर दो, बोलो जी के को हो गई कर दूंगा। तो हमने इन दादों के चक्कर में ही पाना नहीं। कई भक्त कहते हैं कि भाई जैसे अपने पूर्वज दिखाई दे जा, पिताजी दिखाई दे जा, और वो कहे कि मेरे श्राद्ध निकलवा दो, तो कैसे मना किया जा सकता है। पुण्यात्माओं तर्क के साथ विवेक से चलना पड़ेगा हमने। वो तो कुएं में गिर गए, अरे वो कह काजा बेटा तू भी गिर जा इस कुएं में, बुद्धिमान तो पड़े नहीं। बुद्धिमान का कर्तव्य बनता है कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को भी निकालने की चेष्टा करे, कोई ऐसा साधन खोज जाए, उसमें रस्सा फांस दे, तब उसने कहा आप भी पकड़ दो और बाहर आ जाओ, आपकी भी जान बचाए, मुझे क्यों मरवा रहे हो पिताजी। तो बुद्धिमता इसमें होती है। अब कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को निकालना चाहिए, ना कि भावुकता में छलांग लगा दे, दोनों मर गए फिरता है। तो इन गलत साधना करके जो भूत योनि पितृ योनि प्राप्त कर चुके हैं, उस साधना को हम नहीं करेंगे, नहीं तो हम भी उस कुएं में गिर जाएंगे। अपने आत्मा श्रीमद् भगवत गीता में क्या बताया है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो पितरों की पूजा करते पितरों को प्राप्त होंगे पितर बन जाएंगे, और भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, वह भूतों वाले ग्रुप में चले जाएंगे भूत बन के। और गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति करोगे मुझे प्राप्त होगे। देखिएगा ये श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 को आपके रूबरू करते हैं। ये है अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता और 25वां श्लोक। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, पितरों को प्राप्त होंगे पितर बन के जाएंगे वे, और भूतों को प्राप्त होने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजने वाले मुझको प्राप्त होता है। अब वो इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने भी स्पष्ट कर दिया, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, पितर पूजोगे पितर बन जाओगे, और देवताओं की पूजा करोगे देवताओं के लोक में जाकर उनके अनुचर बनोगे। और गीता ज्ञानदाता कहता मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे, अंडरस्टूड है। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि राम रमे सो राम है, देव रमे सो देव, और भूत रमे सो भूत बने, समझ देख सुर भेव। अब आपको एक छोटी सी कथा सुनाता ये दास, जो हमारे सदग्रंथ हैं उनके अनुसार हम साधना करेंगे तो हम सफल होंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ यानी शास्त्र ही प्रमाण है, किसी अन्य व्यक्ति की लोक वेद पर विश्वास ना करना। अब आपको सत्संग में पहले बताया था कि सदग्रंथ कौन से हैं जिनमें वर्णित साधना हम करें वो शास्त्र अनुकूल है, पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जो वेदों का निष्कर्ष है।
और सुख संवेद जो परमात्मा ने स्वयं अपने मुकमल से आकर यथार्थ ज्ञान दिया है। इसके अतिरिक्त जो पुराण है वो परमात्मा का आदेश संविधान नहीं है, वो ब्रह्मा जी का ज्ञान है। और ब्रह्मा जी के साथ साथ फिर उन्होंने प्रत्येक ऋषि ने अपना कुछ अनुभव मिला करके अलग अलग पुराण बांट दिए, शिव पुराण, विष्णु पुराण, जो देवी पुराण, मार्कंडेय पुराण। जैसे मार्कंडेय ऋषि जी ने ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान को अपने हिसाब से सेट करके वेदों से मिला करके बनाया, तो जो वेदों से मिलता है वो तो वेद ज्ञान है, और जहाँ मार्कंडेय ऋषि ने अपने तुक्के मारे हैं वो पुराणों का ज्ञान है, ब्रह्मा जी का ज्ञान है, वो गॉड गिवन नहीं है। जो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है वो संविधान है, उसके अतिरिक्त किसी ब्रह्मा जी का या किसी ऋषि का दिया हुआ विधान है अध्यात्म मार्ग का, तो उसका अपना है, एक अधिकारी का आदेश है, मालिक का आदेश नहीं है। जैसे एक समय एक दरोगा जी का मित्र था, एक ग्रामीण किसान, और उसने अपने मित्र दरोगा से कहा कि मेरा एक पड़ोसी है, साथ वाले मकान में रहता है एक व्यक्ति, और वो मुझे बहुत दुखी करता है, कोई समाधान बताओ। तो दरोगा जी ने कहा, कि मार उसका लठ, माफ देख लूँगा। अब उस व्यक्ति ने अपने मित्र दरोगा जी यानी एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके अपने पड़ोस वाले उस व्यक्ति के साथ झगड़ा ठान लिया और उसका लठ मार दिया, लठ मारने से उसकी मृत्यु होगी। अब उस व्यक्ति ने एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान भंग कर दिया। राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसको सजाए मौत होगी। वही अधिकारी, वो SHO, अपने उस मित्र को अरेस्ट करना पड़ा उसने, और हवालात में डालना पड़ा, और फिर उसको सजाए मौत होगी। तो पुण्यात्माओं, जो वेद गीता और सूक्ष्म वेद, ये है विधान परमात्मा का। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति विशेष या कोई ऋषि विशेष या कोई देव विशेष अपने सत्र का कोई ज्ञान आपको देता है, आदेश देता है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, अगर वो वेदों में नहीं मिलता है तो वो परमात्मा का विधान खंड होगा उसकी आज्ञा पालन करने से। अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, इन पितरों, इन ये कहाँ से लाए सराधने का ये सिस्टम। हमने अब आपको रोना आया करेगा, हमारे पूर्वजों की द्रुप्ति करवा दी इन लोगों ने, अंधों ने। एक टीचर का फर्ज बनाया अपने सिलेबस ने ढंग से जाने और फिर विद्यार्थियों को पढ़ावे। अब आपको दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण। अपने आत्मों, यही पुराणों की अगर माने तो पुराणों के अंदर भी बहुत सा ऐसा विवरण दे रखा है, जो जैसे दास ने बताया था कि जैसे हमारे सदग्रंथ हैं, ये एक वन है, और वन के अंदर बहुत सी अच्छी जड़ी बूटियां होती हैं, और जानकार व्यक्ति उन अच्छी अच्छी जो आवश्यक हैं उन जड़ियों को निकाल कर एक औषधि बना लेता है। उस वन के अंदर, जंगल के अंदर ऐसी भी जड़ी बूटियां होती हैं जो हानिकारक भी होती हैं, तो जिसको ज्ञान नहीं वो हानिकारक जड़ी बूटियों को मिलाकर अगर बना देता है जुगाड़ कोई जड़ी बूटी, तो वो दवाई बनाता है तो हानि करती है। तो इन्होंने वो जड़ी बूटियां सेलेक्ट कर ली जो हमारे लिए हानिकारक थी। अब हम लेंगे वो जड़ी बूटियां जो हमारे लिए लाभदायक हैं, जिस जो वास्तविक औषधि बनती है जिससे, तो इसी ये विष्णु पुराण है, देखिएगा, ये है श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक कौन है ये भी दिखा देते हैं आपको। इसके अनुवादक हैं श्री मुनिलाल गुप्त,
परिगीता प्रेस गुरुकुल से प्रकाशित है। इसके 213 पृष्ठ पर थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। ये तृतीय अंश और अध्याय नंबर 15 चल रहा है, 16 के आगे शुरू हो जाता है, हम 15 पढ़ेंगे। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, पितामह और कुटुंबजन सभी संतुष्ट रहते हैं। जो श्राद्ध करते हैं उनसे देवगण, पितृगण, पितामह, कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। आगे क्या कहा कि हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों के सम्मुख श्राद्ध खाने के लिए आए हुए 1,000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो, तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अब इसे क्या स्पष्ट हुआ, वही श्राद्धों की महिमा बताने वाला औरव ऋषि बोल रहे हैं। औरव वो क्या बता रहा है कि श्राद्ध निकालने वाला पितरों को और पितृगण, पितामह, कुटुंबीजन और देवताओं को खुश करता है। फिर इसके साथ साथ फिर स्पष्ट कर दिया है कि श्राद्ध कर रहे हो, श्राद्ध का अर्थ होता है एक धार्मिक अनुष्ठान, तो उसमें ये बताया कि उस धार्मिक अनुष्ठान में यदि 1,000 ब्राह्मण आ रहे हों, श्राद्ध जीवने वाले, उनके सामने एक योगी आ जा उनके साथ में। अब योगी का क्या अर्थ है, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से विचलित ना होकर हटकर एक तत्व, परमात्म तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तू भगत बनेगा, योगी बनेगा। तो अब यही बताया है कि योगी वो होता है जो पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो, अटल ज्ञान रखता हो, सत साधना कर रहा हो, उसको भोजन कराने से कहते हैं उन पितरों का भी उद्धार हो जा, 1,000 ब्राह्मणा का उद्धार हो जा जो पेट भरते फिर रहे हैं, जिनको ज्ञान कति नहीं, और यजमान का भी उद्धार हो। तो पुणात्माओं, दास ने आपको सबसे पहले योगी बनाया है, और यहाँ पर जो साधना होती है, दसवें दिन श्राद्ध होने लग रहे हैं, यहाँ पर दसवें दिन समागम होते हैं, और जो भी दान पुनः आप करते हो यह सब योगी खाते हैं, और इनके खाने से आपके पितरों का भी उद्धार होगा जो यहाँ दान कर रहे हैं। ये तो पुराण भी बता रही है और परमात्मा भी यही बता रहे हैं कि भक्ति बीज होवे जो हंसा, तारु तास के कुत्र वंसा। अब देखिएगा, ये है विष्णु पुराण, हम पढ़ रहे थे अभी आपको, और 213 पृष्ठ पे तृतीय अंश, और ये अध्याय 15 है, 16 यहाँ से शुरू होता है, इससे पहले 15 में ही है ये। हे राजन, औरव ऋषि ब्राह्मण कह रहा है कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, पितामह और कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1,000 ब्राह्मण हो, सहस्रमान 1,000, और ब्राह्मणों के 1,000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो, तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है।
एक साधे सब सधे सब साधे सब जावे माली सिचे मूल को फिर फले फुले गाए। योगी वो नहीं है जो पेट का पानी लागे दिखा दे ऊपर न पैर कर ले नीचे न सुर, वो योगी नहीं है। वो तो एक प्राकृतिक चिकित्सक है वो व्यक्ति, वो संत नहीं है। योग का अर्थ होता है परमात्मा से मिलने का, योग करने का तरीका। योगी माने भक्त साधक। तो अब आपको क्या सिद्ध हुआ कि हमारे सदग्रंथ वेद हैं, वेद अनुसार साधना करने से हमें हमारी शास्त्र अनुकूल साधना बनती है। और वेद और गीता दोनों एक ही हैं, और परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया वो आपको सुबह सुना ही दिया था। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरुआवे देके चीना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर काचा पाका भोजन बना के माता दोकने गईया, और उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता ओ क्यों ना मर गईया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। जीवित बाप गे लठम लठा, जीवित बाप गे लठम लठा, और मूरे मुए गंग पुचैया, जब आवे आसुज का महीना फिर कौआ बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। और उन्हीं से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास साहब जी कहते हैं कि प्रेत छला पर जा बिराज्य पितरों पिंड भराई, और बहुत श्राद्ध खान को आए फिर काग भय कलमाई, नरसे तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये छप्पन भोग कहा मन बोरे कि तो कुर्डी चरडे जाई। फिर क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि तुम सतगुरु की शरण में आ जाते ये सारे फंड छूट जाते, ना अपसराध निकालने, ना पितर बनना, ना भूत बनना, और सतलोक चले जाते। एक जीवित उदाहरण देता हूं आपको। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इसी हरियाणा स्टेट से भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक दादरी के पास बड़ा पैतावास गांव है, वहां के रहने वाले थे। उनका जन्म पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनको ज्ञान हो गया था कि जिस आधार से ये ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाते हैं ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो एक परंपरा पड़गी। जैसे कोई वैद्य था और बहुत सुप्रसिद्ध वैद्य था, नब्ज पकड़ते ही रोग बता देता था और बढ़िया औषधि देकर स्वस्थ कर देता था, तो उस वैद्य के वंशजों को आने वाले समय में वैद्य कहने लग गए सारे, कृपा राम वैद्य, बलवान सिंह वैद्य, फलाना वैद्य। और वो वैद्य है केवल सरनेम बन गया उनका, वो वैद्य नहीं है। उस वैद्य के वंशज होने के कारण वैद्य नाम से प्रसिद्ध हो गए वह, और जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई फिर खाक वैद्य है वो। इसी प्रकार जो ब्राह्मण हैं वर्तमान के, जिनको हम ब्राह्मण कहने लायक गए ब्राह्मण, तो उस कुल में हमारे पूज्य गुरुदेव जी का जन्म हुआ। और उनको जब ज्ञान हुआ, जब पता चला कि ये तो केवल ब्राह्मण है, पंडित नहीं है, पंडित सोए जो पिंड की जाने, मेरे दादा गुरु जी थे वो दिल्ली के अंदर छावला गांव के जाट थे किसान, और वो हमारे जो दादा गुरु जी के जो गुरु जी थे, जो जिनके वो संपर्क में आए, उन्होंने उनको काशी विद्यापीठ में पढ़ा दिया उस किसान के लड़के को, और फिर वो चार विषय के आचार्य बन गए। उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता रहा। आज भी उनका खरखोदा के पास में जिला सोनीपत हरियाणा में एक गोपालपुर छोटा सा गांव है, उसमें उनका आश्रम है हमारे दादा गुरु जी का, उस पर बोर्ड लगा हुआ है पंडित चिदानंद आश्रम। वो जाट होकर पंडित को आए, और हमारे गुरुदेव जी ब्राह्मण थे, बोले नहीं हम ब्राह्मण नहीं, हम संत हैं। तो कहने का भाव ये है कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी जब 15-16 वर्ष की आयु के थे, खेतों में पशु चरा रहे थे। पहले यही काम करते थे, गौएं चराते थे अपने अपने, इनके जमीन भी थी, खेती भी करते थे। और हमारे जो दादा गुरु जी थे उनके संपर्क में आ गए, इनको प्रेरणा हुई
इन्होंने सोचा कि यदि मैं घर से निकलूँगा वैसे तो पीछे पीछे घरवाले भाग लेंगे, ये फेर लाओगे पकड़ के। उन्होंने ऐसी सूझबूझ की, पहले वन बहुत होते थे, जंगल होते थे बड़े बड़े। इन्होंने क्या किया, एक दिन दो कपड़े ले गए अपने, दो ड्रेस, एक पैर गए एक और ले गए, और शाम के समय जब पशुओं को लेकर चलने का समय हुआ, अपने साथी दूसरे ग्वालों से कहा कि आप चलो मैं आ रहा हूँ, एक बार फ्रेश होया हूँ। जंगल में घुस गए और वो अपने पशु लेकर घर न आ गए। उन्होंने क्या किया, जंगल में जाके दिन में वो देख आए थे सारा साजबाज, एक पशु खा रखा था किसी इंसेक पशु ने, किसी शेर ने या भेड़िए ने, कोई बकरा बुकरा खा रखा था, उसकी अस्थि पड़ी थी। उनके पास उनके ऊपर अपने कपड़े डाल दिए जो पहन के गया था, और दूसरे पहन करके वो सीधे चले गए जहाँ मेरे गुरुजी थे, उनके गुरुजी थे। अब रात्रि का समय हो गया, उस समय कोई ऐसा टॉर्च तार्च भी ना होया करती गांव में, लगभग 100 वर्ष 125 वर्ष पहले की बात है। कुछ देर इंतजार की, भाई वो उनका नाम था हरद्वारी बचपन का, तो घर वालों ने पूछा और दूसरे साथियों जो उनके साथ गए थे ग्वाले, भाई हरद्वारी नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो आता ही होगा, वो फ्रेश होने चला गया था थोड़ा सा अंदर। काफ़ी देर इंतजार करके घर वालों ने चिंता बन गई, भाई कोई हिंसक पशु रहते हैं यहाँ पर जंगल में और बालक को कहीं आनी ना पहुँचा दी हो। 10-15 व्यक्ति चले साथ में ग्वालों को लेकर के, जिनने देखा था इधर गया था अंधेरे में, उसमें ऐसी टॉर्च टार्च भी ना थी, एक दीपक सा जला रखा था, लालटन दे रखी थी, थोड़ा थोड़ा टिमटिमाता सा प्रकाश था। ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते अंदर गए, देखा तो वहाँ कपड़े पड़े, अस्थि पड़ी, एकदम अंधे हो गए। जो कहने लगे भाई बच्चा तो खा लिया, ओ हो तो ये पड़ा भाई, फटाफट उसको उठाया, कपड़ों में बांध दिया, लाकर थी बनाकर सबेरे सबेरे वो फूंक दिया। और फिर होगी उसकी 13वीं शुरू, अस्थि ठाई फिर गंगा में डाल के आए, फिर 13वीं करी, महीना करा, छमाही करी, वर्षी करी, और फिर हो गए वो श्राद्ध शुरू। वो जा रहे अपना कल्याण कराने के लिए। जब उनका सतलोक गमन का समय हुआ, मेरे पूज्य गुरुदेव जी मुख्य तौर पर पंजाब में रहा करते थे। पंजाब में एक तलवंडी भाई नाम का छोटा सा कस्बा है फिरोजपुर जिले में, और एक उनका आश्रम था मोगा में, तो तलवंडी में भी आश्रम था, अधिकतर वो तलवंडी रहा करते थे, वहाँ के सेवादार ज़्यादा थे। तो तलवंडी भाई वो रहा करते थे, दास को दीक्षा देने का आदेश वो दे चुके थे 1994 में। 1996 में वो अपने गांव में आए इस पैंतावास दादरी के पास। हमें पता चला कि गुरुजी यहाँ आए हुए हरियाणा में, उनके साथ हमारे ही शिष्य उनके बच्चे दो सेवा में रहा करते थे, उनका संदेशा पहुँचा गुरुजी आ चुके हैं। तो दास भी चला गया उस समय, गांव गांव में सत्संग किया करते थे। जब हम वहाँ पहुँचे, प्रणाम किया गुरुदेव को, उसमें सारा गांव देखने आया कि वो व्यक्ति तो जीव है जिसने हमारे मान रहे थे, सारा गांव देखने आया। वो गए थे लगभग 100 वर्ष के बाद, जाते ही बता दिया कि ये मेरे चाचा का घर था, ये हमारा घर था, हम इतने भाई इतनी बहन। तब उनको यकीन हुआ सचमुच तो वही हरद्वारी है, सारी पिंडी बता दी। तो जब दास वहाँ पहुँचा तो एक 92 वर्ष की 92 ईयर ओल्ड उनकी भाभी बैठी थी। ऐसे बात चलती रही चलती रही। मैंने उनसे पूछा कि जब हमारे गुरुजी घर त्याग कर चले गए थे तो आपने पीछे से कैसा महसूस किया, यहाँ नहीं थे आपने मर्त मान रखा था। तो उसने कहा भाई मैं आई ना जब मुझे पता चला था कि इनका एक भाई निसंतान मर गया, बे औलादा मर गया, ऊत नपूत कहा करें देसी भाषा में, और इनके हिस्से की जमीन थी 3-4 एकड़, 4-5 एकड़ जमीन इनके हिस्से में आती थी।
उसको मेरे पति और दूसरा मेरे पति का भाई है, तीन चार भाई थे, वो प्रयोग किया करते थे। और जब घर में कोई ऊख चूक हो जाती, खेती ना होती, पशु मर जाते या कोई बालक बीमार हो जाते, तो हम पूछने जाया करते थे अपने पुरोहित पे, और वो पतरा वतरा दिखाया करते, तो वो कहा करते कि आपका एक बेऔलादा मर रहा है, निसंतान मरा हुआ है हरिद्वारी, और वो सिद्ध है तुमने वो हानि कर रहा है, वो प्रेत प्रेत बना हुआ है, पितर बना हुआ है, वो प्रेत बाधा तुम्हें दुखी कर रही है। उसके लिए फिर जैसा भी वो जंतर मंत्र बताते हम सारा कराया करते, श्राद्ध भी निकाला करते थे। तो फिर मैंने उनसे कहा, माता जी गीता जी में लिखा है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे और पितर पूजनीय पितर बनेंगे, देवताओं के पुजारी देवताओं के प्राप्त होंगे, मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो ये तो गलत साधन आपके सामने देख लो, ये तो जनता का कल्याण करने लग रहे, और आप इसका कल्याण के लिए ठगे जा रहे थे। बोले भाई बात तो सच्ची है। मैं बोला जी अब तो त्याग दो इन बकवादों को, इन श्राद्धों को। न्यू बोली ना भाई, इन्हों को कर छोड़ दिया तो पुरानी लाग है, वहाँ बाढ़ में जाए पुरानी लाग है। अरे इतना प्रत्यक्ष देख रहे हो आप, फिर भी नहीं मान रहे, तेरा गजब हो। तो पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, ये परिवर्तन होगा ये सच्चाई के आधार से। पहले तो हम डरा रखे थे नकलिया ने, न्यू नहीं करोगे तो न्यू हो जाएगा, फलान हो जाएगा, खाक हो जाएगा, मालिक सिर पर बैठे, समर्थ का शरण गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो काज राम रंग होरी हो, समर्थ का शरण आओ। फिर कैसे हो जाए, एक भगत बता रहा था, वो कह रहा था जी मैं अपनी बहन के यहाँ चला गया, उनके वहाँ वर्षा होगी, मारा हुई नहीं, किसान था वो, और मैं अपने उनका संदेश आया कि यहाँ वर्षा होगी है, जमीन ज़्यादा है, आप आइयो अपने बैल ले आओ, हमारी मदद करो। मैं अपने बैल ले गया खेती संवारने के लिए, बीज बोआने के लिए, मेरी सेवा लगा दी दूसरे खेत में, वहाँ मैं ले गया, जानता था मैं खेतों को सारे, कई बार जा रहा था अपनी बहन के यहाँ। तो वहाँ एक जोड़ी थी उनके खेत के आसपास, उस तालाब था छोटा सा, छोटी थोड़ा पानी था, और उसमें एक मंडी ही बना रखी थी किसी पीर प्यार की। मैंने दो पैर में जाकर देखा, पानी पिलाने गया पशुओं को बैलों को, तो वहाँ एक दड़ी गुड़ रखा, बेली गुड़ की, मैं वह बेली ठा लाया, फोड़ के कुछ तो आप खाई और कुछ बैलों को डाल दी, उनने खा ली। तो मैं आकर घर सो गया, सो गया तो रात ने एक 3-1 फुट का व्यक्ति, दाढ़ी सी वाला, मुसलमान टाइप दिखाई दिया। न्यू बोला तूने मेरा मेरी बेली खा ली और बैलों को खिला दी, और दूर खड़ा नहीं इतनी दूर मेरे तो 50 फुट दूर, न्यू कह तू तगड़े की शरण में था ना, तन्न मारूँ और तेरे दोनों बैलों को मारना था मैंने, तू तगड़े की शरण में है यानी समर्थ की शरण में है, मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका, मैंने सारे अपनी कोशिश कर ली। तो मैं सुबह उठा, मेरा पसीने आ रहे, डर गया मैं, फिर उसने देख कर अकल सकल सी उसकी, मैंने अपनी बहन से पूछा कि मैंने ऐसे ऐसे एक बेली रखी थी गुड़, आप खा लिया, कुछ बैलों को खिला दिया, और मुझे ऐसे ऐसे कितनी उम्र साइज का एक व्यक्ति दिखा मुसलमान जैसा, यू के है। तो उसकी बहन बोली रे भाई तू बच क्यों कर गया, उसने तो गढ़े चिट्टे कर रखे हैं, जब उसका किसी ने इतना भी कोई सामान उठा लिया ने उसको मारे और उसके पशुओं में इतनी हानि कर, जड़ था हाकार मचा देता, तू बचा क्यों करे। फिर बोला मुझे और दृढ़ विश्वास हो गया, अकबच घर में वो तो हाथ जोड़ के गया फिर मेरे गुरु जी का गए, ने बोला तू तगड़े की शरण में है, अर्जा शरण मना होता तन तुझे मारता और तेरे बैलों को खत्म करता। तो पुण्यात्मा समर्थ का शरण गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। पुण्यात्मा इंटरनेशनल चैनल पे 5 वर्ष हो गए इस दास ने आवाज लगाते ने, तुम्हारा रास्ता गलत, तुम्हारे गुरुओं के ज्ञान गलत,
ये अधिकारी नहीं, ये साधना ठीक नहीं बता रहे, बता फिर तो भांग गणी पी रखी है तुमने, सुनते नहीं मेरे वाली तरह नकलियां की सारी सच्ची मान रखी। तो पुण्यात्माओं, अब ऐसी स्थिति आई हुई है कि इस परमात्मा के ज्ञान को प्रत्येक प्राणी पढ़ेगा। परमात्मा ने रजा गजब की बक्स रखी है, टीवी माध्यम से अमृतवाणी सुमालिक की अमर कथा सुनाई जा रही है, पुस्तकों के माध्यम से घर घर तक ज्ञान पहुंचाया जा रहा है अपने बच्चों उसके बच्चों तक। अब ये पढ़ेंगे इस अमृतवाणी के पढ़ने मात्र से ऐसे बहुत से भक्तों के जो हमारे भक्त जाते हैं वो कहते हैं हमने ये पुस्तक ही पढ़ी थी ज्ञान गंगा, और हमने एक डिमांड रखी थी भगवान का आगे, हमारी वह सफल होगी, इब नाम लेने भी आवेंगे हम। बताओ इसके पढ़ने तय सुख होने लगे क्योंकि ये अमर कथा है। इसके अलावा हमने ये भी सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं, वो कौन है? वो अपने ही स्वरूप की साधना करते हैं। हमने सुना है ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सद्गुण और शिव जी तम गुण हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? ऐसा है कि एक ही परमात्मा है, ये तीन गुणों के अनुसार रजोगुण को लेकर ब्रह्मा बन जाते हैं, सत्गुण को लेकर विष्णु बन जाते हैं और संहार के लिए तमोगुण लेकर शिव बन जाते हैं। शंकराचार्य जी, हमने सुना है कि ब्रह्मा जी रजोगुण है, विष्णु जी सत्गुण और शिव जी तमोगुण है, क्या आप इससे सहमत हैं? तमोगुण रजोगुण सत्गुण जड़ होता है, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जड़ है? आपने गलत सुना है, जिसने प्रश्न तैयार किया उसको जानकारी बहुत अधूरी है। वस्तु स्थिति यह है कि रजोगुण के नियामक ब्रह्मा जी और तमोगुण के नियामक शिव हैं और सत्वगुण के नियामक विष्णु हैं। ये तीनों नियामक होने के कारण गुण से अतीत, गुणातीत हैं, तत्वता निर्गुण निराकार। ये तीनों न रजोगुणी हैं, न तमोगुणी हैं, न सात्विक हैं, ये तो तीनों इन गुणों से अतीत हैं, गुणों के नियामक हैं। इसीलिए सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। ये तीनों गुण बंधन में हेतु हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बंधन से मुक्त करने वाले उपास्य आराध्य देव हैं। ये न तमोगुणी हैं, न रजोगुणी, न सत्वगुण, गुणों के नियामक। हमने सुना है कि ब्रह्मा ही रजगुण है, विष्णु जी सद्गुण है और शिव जी तमगुण है, क्या आप इससे सहमत हैं? ठीक है, वो शास्त्रों वैसा ही है, वही सही है। हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं? नहीं नहीं नहीं, वैसे तो कुछ नहीं, वे किसी साधना नहीं करते। हमने सुना है कि ब्रह्मा जी रजगुण हैं, विष्णु जी सद्गुण हैं और शिव जी तमगुण हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? ऐसा है, रजगुण तमगुण सत्वगुण ये तीनों देव देवता एक रजगुण की सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी और पालन करते हैं भगवान विष्णु को, सत्वगुण और श्रृंगार करते हैं भगवान रुद्र, वह तमोगुण है। हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं, हाँ करते हैं, ठीक बात है। तो वो कौन है, मतलब किनकी साधना करते हैं? भगवान विष्णु जो है भगवान राम की साधना करते हैं, भगवान शंकर राम की और भगवान भगवान राम जो भगवान। महाराज जी, आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण भगवान पूर्ण अवतार हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हर पहलू इस अवतार का अपने आप में एक प्रेरणा है। कोई भी उनकी लीला लें, कोई भी उनकी भाव भंगिमा लें, वो सब कुछ जीवन की एक प्रेरणा के रूप में है। भले वो माखन चोरी की लीला हो, वो एक भाव के स्वीकार करने की लीला है, या उनकी वंशी नाद हो, वो प्रेम का एक दिव्य नाद है, या उनका गीता ज्ञान हो, वो मानव मात्र की जागृति का एक आह्वान है। और ये सब देखते हुए हमारी एक समर्पित श्रद्धा भगवान कृष्ण के प्रति इष्ट के रूप में, उन्हें स्वीकारने के रूप में है। महाराज जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ब्रह्मा जी, विष्णु जी,
महेश जी की जन्म और मृत्यु होती है? जन्म और मृत्यु शब्द तो नहीं लगा सकते उनके साथ, लेकिन ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं उनकी आयु सीमा है। जब हम त्रिदेव के रूप में उन्हें लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक आयु सीमा साथ साथ रहती है। ब्रह्मा जी भी हर सर्ग में, सृष्टि के हर उत्पत्ति में ब्रह्मा जी आते हैं, उत्पत्ति करते हैं, और हर प्रलय में फिर ये देव जो है ये इस विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो इसलिए जन्म और मृत्यु शब्द नहीं, सर्ग और उसके पश्चात उस विराट परमात्मा में एक रूपता लय होने की स्थिति, वो साथ साथ है। आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव तो भगवान श्री कृष्ण हैं। हम तो उन्हीं के लिए जन्म जन्मांतर तक उन्हीं की सेवा के लिए आराधना करते हैं कि उनकी कृपा मिले, जिससे कि अंतिम समय जब हम प्रयाण काल होता है, जब हम शरीर छोड़ें, तो भगवान का कीर्तन करते, उनका स्मरण करते हुए हम उनके धाम में प्रवेश करें। हरे कृष्णा। प्रभु जी, यहाँ मैं जानना चाहूँगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है? वो एक विशिष्ट मूर्ति है। ब्रह्मा विष्णु और जो शंकर हैं, ब्रह्मा की तो मृत्यु होती है, उनका भी जीवन काल है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, इनकी भी मृत्यु संभव है? नहीं, विष्णु की मृत्यु नहीं होती है, और शंकर भी अमर हैं। ब्रह्मा, इन तीनों गुणों में जो ब्रह्मा का रिप्रेजेंटेशन है, शास्त्रों के आधार पर यह निश्चित किया गया है कि उनका समय निश्चित है। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और इष्ट की साधना करते हैं? देखिए, ये तीनों के तीनों भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करते हैं। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आ गए होए। अपने आत्मा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की जो पूजा करते हैं, उनको श्री गीता जी में किस संज्ञा से संबोधित किया गया है, उनको क्या उपमा दी गई है? आपको गीता जी से रूबरू कराते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये है अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर ये 12। इसमें कहा कि और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं और वे मुझ में नहीं है। अपने आत्मा तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, उसका निमित्त ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं ही हूं, मेरे कारण ही हो रहे हैं, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। सतगुण विष्णु जी से सतीथि, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति और तमगुण शिव जी से संहार, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस ज्योति निरंजन काल जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी हैं, इनको श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का ये नित्याहार करता है। तो जिस कारण से ये अपने इन तीनों पुत्रों को ये ड्यूटी दे रखी है, रजगुण ब्रह्मा जी से निकल रहे रजगुण जैसे अपनी संचार प्रणाली है, इसका एक टावर होता है, वो टावर एक स्थान पर होता है, तो वहां से निकल रही उसकी तरंगें, वहां के अक्षेत्र के जितने भी मोबाइल हैं उसे कनेक्टेड हैं, उन सबको वो गति देता है, प्रभावित करता है। इसी प्रकार ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी अपने अपने राजधानियों ऊपर लोकों में, अपने अपने लोकों में साकार हैं, और इनसे निकल रही ये तरंगे, इनकी रेंज, इनकी तरंगे जो हैं, इनकी ये तीनों लोकों पर इनकी रेंज है, पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक और पाताल लोक पर।
जितने भी प्राणी इनके अंतर्गत आते हैं ब्रह्मा जी से निकल रहे रजोगुण की तरंगे उनको प्रभावित करती हैं, जिस कारण से वो संतान उत्पत्ति करते हैं, विवश है। और ऐसे सिर्फ शिव जी के से सहार होता है, वो तमोगुण की तरंगे उससे निकलती हैं। और भगवान विष्णु जी से सतोगुण की तरंगे निकलती हैं, जिससे हम एक दूसरे में मोह ममता, बच्चा संतान में मोह, संपत्ति में मोह, पति पत्नी की आपस में ममता, जिससे हम यहाँ टिके रहते हैं। तो इन तीनों भगवानों से जो कुछ भी हो रहा है, ये काल कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि ये इसका निमित्त मैं ही हूँ, मुझसे ही हो रहे हैं ऐसा जान, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, क्योंकि वो इनसे अलग है। एक बार फिर प्रमाणित करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये तीनों नाशवान हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर नहीं है, ये नाशवान, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। देखिएगा श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद देवी भागवत संक्षिप्त सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी वाली, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ में तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा को, अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जग जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसमें स्पष्ट कह रहे हैं भगवान विष्णु जी के मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम नित नहीं है अर्थात हम अविनाशी नहीं है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से उत्प्रगट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी प्रसन्न उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। नीचे देखो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। अपने आत्माओं श्रीमद देवी भागवत तीसरे स्कंद पृष्ठ 123 पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसमें चार कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये तीनों नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है, और तीसरा ये हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये ना किसी को सुख दे सकते, ना किसी को दुख से दे सकते, ना किसी की ये आयु बढ़ा सकते, ना किसी के पाप संस्कार को काट सकते, ये अपने भी पाप का नाश नहीं कर सकते, अपने भी श्राप का नाश नहीं कर सकते, प्रमाण देंगे आने वाले समय में। और चौथा कंसेप्ट ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और स्पष्ट करते हैं क्योंकि प्रसंग अब चलेगा कि ये तीनों गुण क्या है, तब श्रीमद् भगवद गीता हम समझ सकेंगे। अब यहां फिर देखिए श्री संक्षिप्त शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके संक्षिप्त शिवपुराण और संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल, ओनली हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 110 पृष्ठ आपको ले चलते हैं, यह है रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 110 पे नौवां अध्याय, रुद्र संहिता का नौवां अध्याय समाप्त हो रहा है।
इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु, तपगुण शिव जी, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं, वो इनसे अलग है इनका पिता। अब प्रसंग चल रहा है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है, फिर देख लिए ये मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके एक प्रकाशक व मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ नीचे आइएगा। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं, रजगुण रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सतोगुण सतो प्रधान विश्वपालक विष्णु है, यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। ठीक, अब आपको फिर दिखाते हैं श्रीमद देवी भागवत, जिसमें हिंदी भी साथ है और संस्कृत भी साथ। देखिएगा, अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4। इसके तीसरे सकंद में ले चलते हैं आप जी को। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते, अब तीसरा सकंद प्रारंभ हो गया। अब इसके 11वें पृष्ठ पे हम आपको ले चलते हैं, तीसरा सकंद आप पढ़ रहे हैं और 5वां अध्याय तीसरे सकंद का, 5वें अध्याय का 8वां मंत्र हम पढ़ेंगे श्लोक। भगवान शंकर कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा को, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, शंकर जी कह रहे, और ब्रह्मा रजोगुण, ब्रह्मा को क्यों रजोगुण बनाया, हरि को सतोगुण युक्त क्यों किए। अब यदि हिंदी पढ़ा, अब संस्कृत पढ़िएगा ये 8वां। यदि दया धर्मना न सदा असदा अम्बिके कथम अहम विहित, यदि आप हम पर दया युक्त हो, शंकर भगवान कह रहे हैं, तो फिर मुझे क्यों बना दिया, क्या बना दिया, कथम अहम विहित, फिर क्यों मैं बना दिया तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न किया, और विश्वित किमो हरि सतोगुण, और सुहित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु भगवान को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म अलग अलग हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित, अनुवादक हैं श्री मुनिलाल गुप्त, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मुद्रक है मुद्रित है, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसमें देखिएगा प्रथम अंश अध्याय 22 और मंत्र नंबर 58 में, ये देखिएगा प्रथम अंश अध्याय नंबर 22 और इसका यहां ये श्री विष्णु पुराण है, नीचे ये 58 नंबर है, इसमें संस्कृत भी साथ है, ये संस्कृत साथ है। ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्म प्रधाना ब्रह्म सकते है, ब्रह्मा विष्णु शिव ये ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं, हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं, यानी ब्रह्म ये काल है, ब्रह्मा विष्णु शिव का पिता है, इससे न्यून देवता गण है। बुनात्मा अब आप जी पवित्र श्री मद भगवत गीता जी को समझ सकेंगे, 7वें अध्याय को अब आपके समक्ष पुनः रूबरू कराते हैं, क्योंकि गीता जी पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी बहुत पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं सके, क्योंकि कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना,
गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे अज्ञानी। अभी तक ये सभी संत गुरु जितने भी ऋषि महर्षि थे ये सब अज्ञानी थे। अब लगभग 5000 से ऊपर वर्ष हो गए हैं श्रीमद् भगवत गीता जी को इसको अंकित हुए लिखे हुए और इतने वर्ष हो गए हैं पवित्र 18 पुराणों को पवित्र 4 वेदों को और आज तक इनके विषय में ये हमारे हिंदू धर्म के गुरु लोग हमें कह कह भी नहीं बता सके इसके विषय। सर्व उबाई बक रहे हैं किसी को भी यथार्थ ज्ञान नहीं था ना पुराणों के विषय में ना ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी से परिचित थे। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जी हमें क्या निर्णायक ज्ञान दे रही है। 7वां अध्याय फिर पढ़िए। ये है श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अब हम 7वें अध्याय को पढ़ रहे हैं और इसका 12वां श्लोक अब आराम से समझ में आएगा। रजगुण ब्रह्मा है सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये कंसेप्ट क्लियर हो गया और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं यानी श्री विष्णु जी से जो सतीथि हो रही है और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान है। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। पुण्यात्मा ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है और ब्रह्मा विष्णु और शिव रजगुण ब्रह्मा जी सदगुण विष्णु जी तमगुण शिव जी ये इसके पुत्र हैं और इसके एक ब्रह्मांड में ये विभागीय मंत्री हैं और काल एक ब्रह्मांड का ये एज ए चीफ मिनिस्टर काम करता है। इस तरह के इसके 21 ब्रह्मांड हैं और इस ब्रह्म से नेक्स्ट जो और परमात्मा है वो परब्रह्म कहलाता है उसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इन तीनों प्रभुओं के पुरुषों की जानकारी है। 16वें श्लोक में कहा कि सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इन सबके स्थूल शरीर नाशवान है और इनके भी और फिर 15वें जाके 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य यानी वो पुरुषोत्तम तो कोई और है इन सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। सर्वपुरुष ये ब्रह्म है अक्षर पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश का पिताजी और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी सब नाशवान है लेकिन उत्तम पुरुष तो अन्य 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो पुरुषोत्तम तो कोई और है वो श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है उसी को परमात्मा कहा जाता है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो है अवेश्वर वो अविनाशी प्रभु परमेश्वर है। उसी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान दाता से कहा कि प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्पर्म के बारे में जानकारी दी है कि उसके बारे में ज्ञान होने के उपरांत और सारे अध्यात्म ज्ञान से जो परिचित हो जाता है सब कर्मों से जो परिचित हो जाता है वो साधक फिर जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा किम तत्परम वो तत्परम कौन है क्या है उसका उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया कि परम अक्षर ब्रह्म है। तो इस सर्व ब्रह्म से अक्षर ब्रह्म से इनसे अलग है वो परम अक्षर ब्रह्म वो असंग ब्रह्मांड का मालिक है और ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक ब्रह्मांड में केवल एक विभागीय मंत्री है और इनको जो कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक वो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति हैं उनको कोई ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उनको वो भ्रमित कर रहे हैं पुण्यात्माओं को। अब देखिएगा 7वें श्लोक में आपने देखा
कि रजगुण ब्रह्मा से, सदगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से, जो कुछ भी स्थिति उत्पत्ति स्थिति और संहार हो रहा है उसका मुख्य कारण ये गीता ज्ञान दाता काल कह रहा है ब्रह्म कि उसका मुख्य कारण मैं हूं। आगे पढ़िए अब 13वें श्लोक में क्या कहा, 7वें अध्याय के, ये तो आपने 12वां पढ़ लिया, अब 13वें में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव से, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे यानी इनसे अलग मुझे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मुझे नहीं जानते, ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित है। अब 14वें श्लोक में कमाल कर दिया, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा जो ये क्रियाएं हो रही हैं ये त्रिगुणमयी माया कहलाती है, ये बड़ी दुष्टर है यानी खतरनाक है। और जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर जो ब्रह्म की पूजा करते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात इनसे ऊपर उठ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। और 15वें में कमाल कर दिया, माया के द्वारा त्रिगुणमयी माया रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक जिसकी बुद्धि सीमित हो चुकी है, इन्हीं से मिलने वाले ज्ञान तक उस आधारित हैं, इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर जो आश्रित हैं और इनसे आगे किसी की पूजा करने को और सुनने को तैयार नहीं। कहा कि माया के द्वारा त्रिगुणमयी माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा जी सदगुण विष्णु जी तमगुण शिव जी से मिलने वाले अस्थाई लाभ के कारण ही जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी के पुजारियों को गीता जी में क्या उपमा दी जा रही है, आसुर स्वभाव को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूड लोग, ये ब्रह्म कह रहा है मुझको नहीं भजते अपने आत्माओं। जो ये कह रहे हैं गौरव के साथ कि हमारा इष्ट श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी हैं, अब उन पुण्यात्माओं ने पुनर्विचार करना पड़ेगा, इसको मान बड़ाई ईर्षा ना रखें, इसको हार जीत का विषय ना बना के इस तत्व ज्ञान को समझें। और अगर ये गुरु लोग मान गए इस बात को, सच्चाई को मानना तो इनको पड़ेगा, क्योंकि आज बुद्धिमान समाज मानव समाज शिक्षित है और ये सदग्रंथ हमारे हिंदी में अनुवादित हैं, इनको हम आसानी से समझ सकते हैं। और इस दास के पास वो तत्व ज्ञान है जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो विस्तार से कहा गया है वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ और वो फिर आपको उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे, उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताएंगे, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना से ही जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त होगी। अपनात्मा ये स्पष्ट हो गया कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक स्पष्ट कर दिया है कि वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं भजते, ब्रह्म साधना नहीं करते। अपने आत्माओं जैसे एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी था, उसने तमोगुण भगवान शिव की पूजा की थी, 12 वर्ष तक शिरासन पर नीचे को सिर ऊपर को पैर किए, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि मांग साधक क्या मांगता है,
तो भस्मागिरि ने कहा कि वचनबद्ध हो जाओ प्रभु तब मैं मांगू। शिव जी वचनबद्ध हो गए, उसी समय खड़ा हो गया सीधा और कहा कि जो आपके पास भस्म कंडा है वो भस्म कंडा मुझे दे दो। उसमें क्या शक्ति थी भस्म कंडे में कि जिसके सिर के ऊपर रख के ये कह दिया भस्म, वो भस्म हो जाता था, वो खत्म हो जाता था, जल कर राख बन जाता था। और उस भस्मागिरी के मन में क्या दोष था कि भगवान शंकर जी से ये भस्म कड़ा प्राप्त करके शिव जी को मारूंगा, इसकी हत्या कर दूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। तो पुण्यात्मा इससे दुष्ट और नीच व्यक्ति कौन होगा, अपनी ही मां को क्योंकि इष्ट की पत्नी को और बुरी नजर रखता है। तो ये तमोगुण शिव का उपासक फिर राक्षस कहलाया। भगवान शिव ने जो ही उसको भस्म कंडा दे दिया तब वो शिव का पुजारी तमोगुण शिव का पुजारी कहता है कि होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। बड़ा हंसा फिर भगवान शिव जी, डर के भाग लिए। पुण्यात्मा यदि ये मृत्युंजय कालज्जय सर्वेश्वर महेश्वर होते तो शिव जी भागते नहीं, अविनाशी होते नहीं भागते, ये नाशवान है इसलिए ये भागे। आगे भगवान ने पार्वती रूप बनाकर उस भस्मागिरी को गंधत नाथ नाच नचा के और उसकी मृत्यु की, उसकी उसको भस्म किया और फिर वो कड़ा ला करके भगवान शंकर को दिया। तो ये फिर भस्मा असुर कहलाया, भस्मा असुर, ये तमोगुण शिव का उपासक, ऐसा जुल्म किया इसने। और रावण भगवान शिव तमोगुण का उपासक था, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरिया, अपनी ही माता सीता को उठा ले गया क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भाई हैं। और ब्रह्मा शिव का उपासक तमोगुण का, उसके बड़े भाई की पत्नी सीता और सीता को उठा ले गया, तो वो माता थी और माता को उठा लेना, दुष्ट इंसान उसके साथ फिर दुष्कर्म करने की चेष्टा करता हूं तो माता में शक्ति थी, वो दुष्ट निकट नहीं आ सके। तो शंकर भगवान तमोगुण शिव के उपासक, रावण राक्षस कहलाया और आज तक निंदित है वो। अब रजोगुण भगवान ब्रह्मा की उपासना की थी हिरण्यकशिपु ने, उसके बाद हल्दी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन गया, आप ही भगवान सिद्ध हो गया बनने लगा और अपने ही पुत्र का शत्रु हो गया, राक्षस कहलाया और भगवान ने एक विशेष रूप धारण करके उस दुष्ट को मारा क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा ऐसी थी। अब रजोगुण के उपासक राक्षस कहलाए, तमोगुण के उपासक राक्षस कहलाए, अब सतोगुण के उपासक। एक बार हरिद्वार के अंदर कुंभ के मेले का अवसर हुआ, पर भी लगनी थी, सभी ये त्रिगुण उपासक गिरी पुरी नागा कनपाड़े नाथ और वैष्णव, ये सारे त्रिगुण उपासक हैं, ये वहां स्नानार्थ चले गए, कहां हर की पैड़ियों पे हरिद्वार में, वहां अलग अलग अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, गिरी अलग पुरी अलग और सन्यासी अलग, नागा अलग से और वैष्णव अलग से, नाथ अलग से, ऐसे ऐसे सभी अपने अपने समूह में एकत्रित हुए। जब पर भी लगने का समय आया, सभी पूरे मंडलेश्वर पूरे ग्रुप के अंदर वो चल पड़ते हैं समूह के समूह। सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए, खड़े हो गए पूरी पैड़ियों को घेर कर। पीछे से ये नागा तमोगुण शिव के उपासक, पीछे से विष्णु जी के उपासक सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णव साधु आ गए, वो पूरा ग्रुप कई हजारों का। उन्होंने विष्णु उपासकों ने सतगुण विष्णु के उपासकों ने कहा कि नागाओं तुम बाद में स्नान करना,
हम भगवान विष्णु के उपासक हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं और तुम बाद में स्नान करना। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी वस्त्र नी इच्छा रहते हैं और प्रथम स्नान हम करेंगे। तो वैष्णव साधुओं ने, सतोगुण विष्णु जी के साधुओं ने कहा, उपासकों ने कहा कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते हो, शरड फिर राख लपेट रखी है, तुम बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे, खबरदार जो तुमने स्नान किया। इसी बात पर कहा सुनी हुई और झगड़ा शुरू हो गया। एक दूसरे को तलवारों से, तीरों से कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी के उपासक, 25,000 आपस में कटका मर गए, कत्लेआम हो गया। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कहावे, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस तत्व ज्ञान में लिखा है कि तीर तलवार कटारी एक दूसरे के ठोक देने, छुर्रे घोंप रहे हैं और वह साधु के लावे। तीर तुपक तलवार कटारी वह जमधड़ जोर बधावे हैं, डट कर झगड़ा कर लड़ रहे हैं और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाने, और वहां जा कर्द चलावे हैं, वहां तलवार चला रहे हैं, और काटे शीश नहीं दिल करुणा, दया का नाम नहीं इनके, और वो जग में साध को आवे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी वो नरक पठावे। यानी उन संतों के पास भी कोई जाता है वो इनकम्प्लीट ज्ञान, दंत कथा सुनाते हैं और ऐसे स्वभाव का बना देते हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये तीनों गुणों के उपासक गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक स्पष्ट कर दिया कि राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहती ब्रह्म कहता मेरी पूजा भी नहीं करते। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 16 से लेकर 18 तक ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि ब्रह्म कहता है कि मेरी पूजा भी, मेरी जो पूजा करते, चार प्रकार के करते हैं, एक अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होता है जो धन लाभ के लिए केवल वेदों के मंत्रों से ही अपने अनुष्ठान करता है, वो किसी और अन्य जंतर मंत्र का सहारा नहीं लेता। वो है तो ब्रह्म उपासक लेकिन वो ठीक नहीं उनकी पूजा। दूसरे धन लाभ के लिए अर्थार्थी, अर्थार्थी जो है वो धन लाभ के लिए वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करते हैं, वो किसी और जंतर मंत्र का सहयोग नहीं लेते। इसी प्रकार आर्त यानी संकट निवारण के लिए भी वेदों के मंत्रों से ही वो अनुष्ठान करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु, जिज्ञासु होते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए संतों से मिलने गए, जिसने भी जैसा उनको खचड़ा ज्ञान दे दिया उसके आधार से वो फिर संत बन जाते हैं, वक्ता बन जाते हैं, ये भी रिजेक्टेड है तीनों। चौथा ज्ञानी, अब ज्ञानी के विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी अच्छी आत्माएं हैं। ज्ञानी वो होता है जिसने ये पता लग गया, ये जान लिया कि मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति करना और मोक्ष कराना ही है। और उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि वेदों और गीता जी में स्पष्ट किया हुआ है केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से, उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करने से जीव का जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है। लेकिन इन ज्ञानी आत्माओं को जो चौथे प्रकार के हैं, इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से इन्होंने स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम को यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि वायु अनिलम अथम इदम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्त्युम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर
ओम नाम का जाप करो, तब तुम्हारा शरीर जब छूटेगा उस समय तुम्हें ओम नाम के जाप से जो जितना भी अमरत्व प्राप्त हो सकता है वो प्राप्त हो जाएगा। ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता जी 10 नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी फिर लौटकर संसार में जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं है। फिर इसलिए कहा कि ज्ञानी आत्मा, इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से इन्होंने ओम नाम को और उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म का मान लिया और ओम नाम का जाप किया, फिर साथ में हठ योग किए। हठ योग किसी भी वेद या गीता जी में नहीं लिखा, ये गलत साधना है, शास्त्र विधि विरुद्ध है, शास्त्र विहित वर्ग कर्म नहीं है। जो हठ योग मेडिटेशन तप करते हैं, घोर तप करते हैं, ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, क्योंकि ये हठ योग की बीमारी कहाँ से लगी? इस मेडिटेशन की। जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे थे, इनको स्वयं पता नहीं तू कौन है, कहाँ से जन्म हो गया, मेरा कौन पिता है, कौन माता है, उस समय आकाशवाणी की इस ब्रह्म ने काल ने कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया कमल पर बैठकर, फिर कहा सृष्टि करो। तो ये इस ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्म के आदेश को पूर्ण परमात्मा का मान लिया और उस आदेश से इसने ये हठ योग को, इस मेडिटेशन को, हठ योग को, तप को सभी के अंदर समावेश कर दिया। सभी ने फिर ऐसा ही करना शुरू कर दिया और वो पूर्ण परमात्मा का आदेश मानकर, ये पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं था, ये इस ब्रह्म का आदेश है, ब्रह्म का, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी है। तो इन इस वेदों को इसने बाद में प्राप्ति हुई, वेद बाद में मिले ब्रह्मा जी ने, फिर वेदों में ओम नाम मिल गया। इन्होंने ओम नाम को परम अक्षर ब्रह्म का मान लिया, वो परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र नहीं है ओम। गीता जी 10 नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत, ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है, ये ओम तत्सत से उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना है, उसका लाभ प्राप्त होता है, इसी का निर्देश है। उस सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना इन 3 मंत्र के जाप से होती है। ओम तो ब्रह्म का और तत् ये सांकेतिक है, सत भी सांकेतिक है। ये तत् जो है ये अक्षर पुरुष का, जो गीता जी 10 नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म कहो, अक्षर ब्रह्म कहो और परम अक्षर ब्रह्म कहो, इन तीनों को अलग अलग ऐसे भी बोला जाता है। तो इन तीनों के मंत्र हैं, इन तीनों के जाप मंत्र करने से ही परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ओम ब्रह्म का और ये तत् सांकेतिक है, ये परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का, और सत ये भी सांकेतिक है, दास बता सकता है इस पृथ्वी पर किसी के पास ये मंत्र नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं मुझे इसका ज्ञान दिया है। और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र, ये तीनों मिलकर इनके जाप से उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो यहां इन ऋषियों ने क्या किया कि स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया, इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं और केवल ओम नाम का जाप और साथ में हठ योग किया, जिससे इनको प्रभु नहीं मिला। क्योंकि गीता जी 10 नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल कहता है कि अर्जुन ये मेरा स्वरूप जो तूने अब देखा विराट रूप, ये पहले तेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा था और ना ही आगे कोई संभव देख लेगा, ये तो मैंने अनुग्रह करके तुझे दिखाया है। तो पुण्यात्मा कहता है कि ना इसकी मेरे दर्शन, मेरी प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, काल की प्राप्ति, काल कहो चाहे ब्रह्म को, मेरी मेरे दर्शन यानी मेरी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से नहीं हो सकती। इति सिद्धम के वेदों में वर्णित विधि से ये परमात्मा प्राप्ति नहीं है, इस कारण से इनको भगवान मिला नहीं, इन्होंने अपनी थ्योरी बना दी परमात्मा निराकार है और प्रभु मिला नहीं। इनमें सिद्धियां आ गई, ओम नाम के जाप से, हठ योग से इनकी बैटरी चार्ज हो गई, इनमें सिद्धियां आ गई और फिर इन्होंने इन सिद्धियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये काल पहले ऐसे हठ योग करा के इनको सिद्धि युक्त कर लेता है, फिर अपने ही रिमोट से इनको यहां फंसाए रखता है। पुण्यात्मा एक चुनक नाम का ऋषि था,
उसने ऐसे ही वेदों अनुसार, वो ज्ञानी आत्मा था, उसने वेदों के अतिरिक्त कोई किसी का जो है ना आश्रय नहीं लिया और पूर्ण परमात्मा की भक्ति के उद्देश्य से ओम नाम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मान कर और ब्रह्मा से सुने हुए हठ योग को परमात्मा का आदेश आकाशवाणी मानकर उसी तरह साधना की। हजारों वर्षों तक साधना करता रहा, प्रभु मिला नहीं, एटम बम बन गया, सिद्धियां आ गई। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर शासक था और उसने सोचा कि कोई तेरे शासन काल में तेरी प्राधीनता से कोई अलग तो होना नहीं चाहता है, यानी ट्राई करके देख लूं। तो उसने क्या किया, मानधाता चक्रवर्ती राजा ने एक घोड़ा, अपने वाला घोड़ा, उसके गले में एक पंपलेट टांग दिया गले में कि भी जिसने राजा की प्राधीनता स्वीकार नहीं है वो इस घोड़े को पकड़कर बांध ले, राजा के पास बेहतर सोनी सेना है, बेहतर करोड़, और युद्ध करने के लिए तैयार हो जावे। वो घोड़ा सब जगह घूमया। अब चुनक ऋषि ने पूछा उन घोड़े के साथ जो और भी सवार थे उनसे कि भी क्या बात है, घुड़सवार थे, घोड़ों पर सवार थे, घोड़ा खाली था जिसके गले में ओनली पंपलेट था। तो घुड़सवारों से पूछा, सैनिकों से पूछा चुनक ऋषि ने कि अभी कहाँ घूम रहे हो, कैसे जा रहे हो, ऐसे क्यों घूम रहे, सारी कहानी पूछी। तो उन घुड़सवारों ने बताई सैनिकों ने कि ऋषि जी ऐसे ऐसे हम मानदाता चक्रवर्ती राजा के सैनिक हैं और राजा ने पूरे विश्व में ये घोड़ा घुमा दिया और किसी ने इस घोड़े को पकड़ा नहीं। पता लगा ऋषि ने सारी कहानी का। अब उस ऋषि ने सोचा भी राजा को अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करूं। कहने लगा भी इस घोड़े को मैं पकड़ लूं, मैं पकड़ लेता हूं। तो सैनिक कहने लगे रे कंगाल, ओ कंगले, तेरे दाने खाने नहीं, अरे तू युद्ध करेगा क्यों, तेरी सेहत बोल दे रही है, क्यों तेरी सहमत आई है, अपना टाइम पास कर ले भक्ति बैठ कर चुप करके। तो ऋषि कहने लगे भाई मैंने ये घोड़ा पकड़ लिया, तेरे तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। कहने का भाव यह है कि राजा को पता चला, उसने गुस्सा आया कि एक आदमी ने इतनी हिम्मत कर दी, कल दूसरा करेगा, कभी शर उठाएंगे ऐसे। तो एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ सेना यानी 72 करोड़ सेना का विभाजन कर लिया 4 टुकड़ियां में। तो 18 करोड़ सेना एक बार भेज दी, 18 सोनी सेना एक बार में मरण के लिए एक व्यक्ति को, और जौन हु कर दे शंख बजाते हुए। उधर से ऋषि ने अपने जीवन काल में इस ज्ञानी आत्मा ने, ब्रह्म के काल के उपासक ने अपनी सिद्धि से 4 पुतली तैयार कर ली, 4 एटम बम। एक पुतली छोड़ दी, 18 सोनी सेना का नाश कर दिया, कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। कहने का भाव यो है कि मानधाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अपने आत्माओं, इंसान चाहे कोई वचन तय करे, शस्त्र से करे, चाहे को किसी ने जहर दे दे, वह भी हिंसा ही है। तो ऐसे जो किए हुए पाप पाप ही होते हैं। अब ऋषि का काम बकवाद करने का थोड़ा ही होता है, अपना बैठ कर भक्ति कर रहा था, करता रहता। अब काल के हाथ में रिमोट है, पहले 3 एटम बम बनावे और फिर रिमोट से उनकी दुर्गति करवावे। ये कृष्ण भगत, ये गुरु नकली कृष्ण जी के उपासक वर्णित कर रहे हैं समाज को, कहते हैं कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही भगवान है, भगवान ही सब कुछ है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये परम तत्व है, अविनाशी तत्व है। और फिर उसे प्रश्न किया, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु तो नहीं कह सकते, स्वर्ग के बाद फिर उनका पूर्ण परमात्मा विलीन हो जाते हैं और फिर स्वर्ग के बाद वापस आ जाते हैं। फिर प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते हैं? कहते उस पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं। अरे विष्णु जो पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं तो फिर अखिल ब्रह्मांड का नायक क्यों हो गया यू? आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं।
सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पेश भाई शाह। कल्पेश जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव छोटा उदयपुर गुजरात से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं 24 अक्टूबर 2010 को जुड़ा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी हमारे घर में जो पारंपरिक पूजाएँ हो रही थी, जैसे शिव जी की हम पूजा करते थे, हनुमान जी को हमने इष्ट बनाया था और चामुंडा माँ को हमने कुलदेवी के रूप में पूज रखा था, और भी जैसे नवरात्रा कर रहे थे और सावन महीने में हम शिव जी का मतलब महीने का हम उपवास रखते थे, तो ये सारी मतलब जो हमारे घर में चली आ रही थी जो पूजा थी, हम भी उसी को सत्य मान के पूजा कर रहे थे। जी सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ना हुआ आपका, क्योंकि आप गुजरात से संबंध रखते हैं और हजारों किलोमीटर दूर आप हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, कैसे? जी ऐसा हुआ कि हमारी जो बुआ जी हैं वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो उनकी लड़की को बीमारी थी, गठिया बाई हो गया था, तो वो एक बार उनका लड़का मेले में गया था, वहाँ उनको भक्ति सौदागर का संदेश ये पुस्तक की सेवा कुछ हो रही थी उधर से, तो वहाँ से उन्होंने उस पुस्तक को ग्रहण किया और उन्होंने उस पुस्तक को घर पर लाए, और वहाँ से सबसे पहले हमारी बुआ जी ने नामदान दीक्षा ली और अपनी लड़की जो बीमार थी उनको दीक्षा दिलाई और उनको बहुत फ़ायदा हो गया। तो हमारे पापा जी भी थे तो वो भी भक्ति भाव में ज़्यादा रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, क्योंकि हमारी आर्थिक परेशानी शारीरिक बहुत ज़्यादा घर में हो रही थी। हमारी मम्मी को भी दमा की बीमारी थी, मम्मी तो खैर चल बसे थे, बीमारी के कारण हम बहुत दुखी हो गए थे, हमारे परेशानी बहुत ज़्यादा थी, तो हमारे पापा जी इधर उधर घूमते रहते थे कि पता नहीं कहीं से कोई लाभ हो जाए, कहीं कोई अच्छा संत मिल जाए या कोई टोना टोटका वाला मिल जाए जिससे हमारा घर का उद्धार हो जाए, धंधा नहीं हो रहा था, ये सब बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। तो उनको बुआ जी ने संपर्क करके बताया कि यहाँ पे एक संत आए हुए हैं हरियाणा में, संत रामपाल जी महाराज करके, आप उनसे दीक्षा लो, उनका ज्ञान सुनो, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको हो सकता है कि आपका कष्ट निवारण हो जाए। तो सर, क्या आप लोगों को जो कष्ट थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, क्या वो ठीक हो गई? हाँ जी बिल्कुल, हमारे सबसे पहले घर में हमारे पापा जी ने नाम उपदेश लिया और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, और वो दीक्षा लेने के बाद में उसके बाद में फिर मैं भी जुड़ा, क्योंकि वो पापा जी वहाँ से आए थे आश्रम से और डीवीडी कैसेट और सब लाए थे। सर, हम जिन भी लोगों का इंटरव्यू लेते हैं वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही ठीक हो जाते हैं, जैसे ही वो आशीर्वाद देते हैं कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ ठीक हो जाती है। आपके परिवार में भी काफ़ी सदस्य बीमार रहे हैं, आपको भी बहुत सारी आपत्तियों का सामना करना पड़ा है, आपका क्या अनुभव रहा है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, आपकी क्या क्या समस्याएं दूर हुई है, आपको क्या लाभ हुए? सबसे पहले तो हमें आर्थिक लाभ से हम ज़्यादा परेशान थे, तो हमें आर्थिक लाभ सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हमारे हमको कम से कम 15 लाख का कर्जा था, वो जो हमें मार्केट में देना था वो हमारे पास कुछ भी नहीं था, और हमें सब जगह से कर्जा देना था। सबसे पहले हमारे को नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले वो कर्जा कैसे फ्री हो गया पता ही नहीं चला। उसके बाद दास के पास घर में भी कुछ भी नहीं था, पूरा घर खाली था, बिजनेस भी कुछ भी नहीं था। दास ने परमात्मा को आश्रम में फ़ोन किया, वहाँ से रिक्वेस्ट की, आश्रम गए, मालिक का आशीर्वाद लिया, हमने प्रार्थना की और गुरु जी ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आप कर लो, मालिक दया करेंगे। तो संत रामपाल जी की दया से हमने बिजनेस स्टार्ट किया और उसके बाद हमें बिजनेस में इतनी उन्नति मिली कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, हमको कस्टमर को मना करना पड़ता है, कब आप जाओ, हमें भक्ति करनी है, भक्ति के लिए समय दो, हमें पैसा नहीं चाहिए, अब हमें पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति दान दो गुरुजी, हम ऐसा बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज को। सर, और क्या लाभ मिले? और अभी वैसे आर्थिक लाभ मेरे को बहुत ही ज़्यादा हुए हैं, इसलिए मैं आर्थिक लाभ ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास घर में जो किराए का मकान था वो किराए का मकान में चारों तरफ माल पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे मेरे को माल रखने की जगह नहीं थी, सब बोलते थे कस्टमर आके आपको एक मकान चाहिए, आपको मकान चाहिए, मकान कैसे ले, मकान कोई बातों से थोड़ी मिलता है। आज आप भी जानते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल में मकान है 30-35 लाख रुपए का मकान होता है, 10 कहाँ से लाएगा इतने रुपए। तो मालिक ने वो भी सुन लिया, अभी अभी में मालिक ने मेरे को दास को संत रामपाल जी महाराज ने कृपा करी और एक 30 लाख की कुटिया भी दिलवा दी। सर, एक बारीकी आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आर्थिक लाभ कैसे मिल रहे हैं? भक्ति तो आप पहले ही कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या चेंज हुआ है कि आपको आर्थिक लाभ मिल रहे हैं, और क्या लोग इस बात पे विश्वास करेंगे कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद आर्थिक लाभ हुए? आप इस बात को समझाइए कि आप भक्ति पहले भी कर रहे थे और आप भक्ति अब भी कर रहे हैं,
तो अब आपको भक्ति करने से लाभ क्यों मिल रहे हैं, जबकि पहले भक्ति करने से आपको लाभ क्यों नहीं मिल रहे थे? जी, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जब हमने सुने तो संत रामपाल जी महाराज ने हमको बताया कि जो अभी तक हम पिछली पूजाएं कर रहे थे जिनसे हमें फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, जिन भी देवती देवताओं की हम पूजा कर रहे थे, तो वो हमारी पूजा गलत थी, वो प्रोसेस ही गलत थी, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध थी। जो कि गीता जी के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में साफ लिखा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करेगा उसको न तो कोई गति मिलेगी, न सुख प्राप्त होगा, न ही सिद्धि प्राप्त होगी। तो हमारी पूजा ही गलत थी, हमारी प्रोसेस ही गलत थी, हमें लाभ कहाँ से मिलेगा? तो संत रामपाल जी महाराज ने हमको सही दिशा दी, सही ज्ञान दिया, शास्त्र के अनुसार हमको भक्ति दी, जिससे उन मंत्रों के जाप करने से और उस विधि से हमको ये फायदा ऑटोमेटिकली गुरु जी की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें प्राप्त हुए। जी सर, यदि बात नशे और दहेज की करते हैं और उसको जब ख़त्म करने की बात आती है तो संत रामपाल जी महाराज का सबसे पहले नंबर पर नाम आता है। आज एक बहुत बड़ी मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने नशे और दहेज के खिलाफ चला रखी है। नशे को और दहेज को समाज से जड़ से ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज एक विशेष योगदान दे रहे हैं। सर, आप लोगों ने आखिर इस मुहिम को कैसे कामयाब किया, ऐसा क्या कर रहे हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज का पहले नंबर पर नाम लिया जाता है? इसमें ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो इस देश में जो हमारे जो समाज में कुरीतियाँ चल रही हैं, जो पाखंडवाद चल रहा है, उसको ख़त्म करने का बीड़ा उठा है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमेश्वर के अवतार के रूप में इस धरती पर आए हैं, ये बात सभी जान ले, क्योंकि हमने तो खुद इसका अनुभव किया है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज का यही उद्देश्य है कि इस समाज में जो दहेज जब लिया जाता है तो इतना मतलब इंसान है इतना कर्जेदार हो जाता है कि इंसान बता नहीं पाता कि मैं अपनी लड़की कैसे मतलब घर के बाहर निकालूं। यानी एक समझो कि जो बड़ा पैसे वाला होता है वो तो लड़की दे देगा, लेकिन जो बिना पैसे वाला होगा, गरीब होगा, उसके लिए तो लड़की एक दुख के समान हो जाएगी, और उसकी 3 लड़की अगर हो गई तो वो तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने समाज में जैसे ये दहेज है, तो हम जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के टाइम पे हमको नियम बताए जाते हैं कि हमें दहेज नहीं ना लेना है ना देना है, हमें बीड़ी सरा मांस तम्बाकू कोई भी व्यसन कोई भी लाकर भी नहीं देना है, खाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ऐसे हमको तीर्थ स्नान, तो इन सब को हमको वेद और शास्त्र में बताया गया कि इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे गुरुजी ने हमको कई नियम ऐसे बताए जो शास्त्र के अनुसार हमें करने हैं, तभी हमें भक्ति का सही फ़ायदा हो पाएगा। सर, आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, निश्चित ही निस्संदेह ही आपको बहुत सारे लाभ हुए होंगे, तभी आपने सैकड़ों किलोमीटर दूर हिसार में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस संत पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगते हैं और उस संत को जेल में डाल दिया जाता है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, इसमें ऐसा है कि अब हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं तो वो जो ज्ञान बता रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं, और अन्य जो संत हैं वो शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान बता रहे हैं, उनसे फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, तो उनको जो भी उनके मतलब दुखी लोग वहाँ पे आते आश्रम में बरवाला में, तो वहाँ उनका कष्ट तुरंत ही दूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ सही शास्त्र अनुसार भक्ति मिल जाती है। और अन्य जो धर्म पंथ जो चल रहे हैं वहाँ पर कहीं भी चल रहे हैं, तो उनको उस भक्ति से सैकड़ों वर्षों से वहाँ लगे हुए, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। और कैसे कोई अगर हमारा भक्त वहाँ उसको दुखियारे को मिल जाता है कि आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में चलो, वहाँ जाने से आपको ये सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जो आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद में ही इतनी शक्ति है, और उनके जो मंत्र हैं जो शास्त्र अनुसार है, उनकी जो प्रोसेस है जो शास्त्र के अनुसार है, उससे ऑटोमेटिकली सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सारी बातें अन्य पंथों को अन्य धर्मगुरुओं को ये ग्वारा नहीं होती जो वहाँ चल रहा। सर, आप अपनी भाषा में गुजरात के लोगों को संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? हूँ तो बस एटलू ज कहवा मांगू छू हमारा गुजरातना बधा ज भाई बहनों ने के संत रामपाल जी महाराज अन्य बधा ज धर्मगुरुओं जो एवं कहे कि तमे मारी पास आओ, हूँ भक्ति आपू छू, मैंने गुरु बनाई लो, हूँ तमने मंत्र आपीश, तमे जाप करो, पण संत रामपाल जी महाराज नु ज्ञान तमे खाली एक वक्त सांभळो, तमे जुओ कि केवी भक्ति बतावे छे, केम आमनो आटलो प्रचार थई रह्यो छे, आम आ गुरुजी एटले जेलमां छे छतां आमनो प्रचार जोरशोरथी थई रह्यो छे, केम आवुं थाय छे, तो आ केवा गुरुजी छे? तो तमे कम से कम एमनुं ज्ञान सांभळो, કેમ કે સંત રામપાલજી મહારાજ કોઈ સાધારણ મનુષ્ય આ ધરતી પર નથી આવ્યા, એ સ્વયં કબીર સાહેબના અવતાર અને સાચા ભગવાન બનીને ધરતી પર આવ્યા છે। તો તમે એમનું જ્ઞાન સાંભળો સૌથી પહેલાં, અને એમની ભક્તિ જુઓ, એમનું જ્ઞાન તમને શાસ્ત્રના અનુસાર ગીતા 4 વેદ કુરાન શરીફ બાઇબલ એ અનુસાર જ્ઞાન બતાવી રહ્યા છે, અને એમની ભક્તિથી આપણા ગમે એવા રોગો હોય, કેન્સર જેવી બીમારી કેમ ના હોય, આપણા ઘરમાં ખાવાના ફાફા હોય, આપણા પાસે પૈસો ના હોય, તો એ તો માલિક ફ્રીમાં આપે છે, એમના આશીર્વાદ એમની ભક્તિ જ આપણને મળી જાય છે।
सर, संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक है जीने की राह, जिसने लोकप्रियता के मामले में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और उसकी डिमांड इतनी हो गई है कि वो लोगों को मिल नहीं पा रही है, जिस कारण से 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस किताब को संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है। सर, जीने की राह पुस्तक को जो लोग घर बैठे मंगवाना चाहते हैं वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसमें ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है वो डेली जो चैनल चल रहे हैं, जैसे साधना चैनल पे रोज़ शाम को 7:40 या 8:40 पे नीचे पीली पट्टी चलती है, तो उसमें सारे फ़ोन नंबर दिए जाते हैं, आप उसमें SMS करके भी प्राप्त कर सकते हैं। और भी जैसे 5-6 चैनल है, श्रद्धा चैनल है, श्रद्धा MH1, नेपाल 1, ईश्वर TV, हरियाणा TV, फास्ट कवर, ऐसे 6 से 7 चैनलों पर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। और हमारा जो वेबसाइट है, जो www.jagatgururampaljimaharaj.org, आप उस पर भी सर्च करें और उसको देखें, ज्ञान प्राप्त करें और परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना जीवन मोक्ष कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampaljee.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।